अच्छा जी, अब टॉपिक आपने तो कहा कोई क्वेश्चन नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन हो या वो शेयर कर ले या टाइप करके कर ले, जिस तरह उसको आसानी है कर ले। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनकम टैक्स रिटर्न है जी, टैक्स ईयर 2023 जो है उसके बारे में कुछ मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं जो मैंने बनाए हैं आप लोगों की सहूलत के लिए और अपनी भी जारी बात है आसानी के लिए। तो मैंने, एक मिनट मैं आपको शेयर कर दूं, अच्छा जी सबसे पहला पॉइंट है आपको स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ, वन बाय वन करके इसको हम शेयर करेंगे आपस में। ये टोटल वैसे 47 पॉइंट्स हैं जी, एक फिर फर्दर की पॉइंट सेक्शन हैं, तो टोटल ये तकरीबन 48 चीज़ें बन जाती हैं। मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। सबसे पहले जी इनकम आप देखिए आपके सामने है। अब तीन तरह की डेफिनेशन आपको मिलेंगी, एक है इनकम, एक है आपकी टोटल इनकम और एक है आपकी टैक्सेबल इनकम। तो इनकम आपके सामने है, इसका अगर आप देखते हैं तो इनकम इज इक्वल टू इनकम अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम प्लस इनकम अंडर फाइनल टैक्स रिजीम प्लस डीम्ड इनकम प्लस लॉस ऑफ इनकम। ये सेक्शन 2 का जो क्लॉज है 29 है उसमें से ये निकाला गया है। तो इनकम पहले मुझे तीनों पूरे कर ले लीजिएगा, फिर आप जो सवाल आपने करना होगा वो कर लीजिएगा। सो इनकम ये पहला हिस्सा हो गया आपका। नंबर 2 टोटल इनकम, अब तमाम हेड्स ऑफ इनकम को जमा किया जाएगा और उसमें एग्जेम्प्ट इनकम को भी ऐड किया जाएगा तो आपकी आ जाएगी टोटल इनकम। और तीसरे नंबर, ये सेक्शन 10 के अंदर ये डेफिनेशन की मैंने, और टैक्सेबल इनकम क्या है कि आपने टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करने हैं तो आपके पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम तक पहुंचने के लिए आपको एक और चीज बताता चलूं कि आपने डिडक्टेबल अलाउंसेस इतने माइनस करने हैं कि आपकी इनकम नेगेटिव में ना जाए, यानी इट मींस कि अगर बराबर या कम हो गया डिडक्टेबल अलाउंस तो ठीक है, ज्यादा हुआ तो आप उसको नेगेटिव बैलेंस जो है वो आगे नहीं ले जा सकते या आप क्रिएट नहीं कर सकते। जी जनाब, आप लोगों ने इस तीनों में से कोई सवाल करना हो तो आप मेरे साथ कर सकते हैं, यानी एक इनकम, फिर टोटल इनकम और फिर टैक्सेबल इनकम। और रेफरेंस साथ है सेक्शन 2 के 29 में जहां डेफिनेशन गिवन है, ये टैक्स सेक्शन 10 है जिसमें डिफाइंड है, और पूरा और 9 है ये आपका जो आपका टैक्सेबल इनकम है। जी जनाब, अब कोई आपने सवाल करना हो तो आप मेरे साथ सवाल कर सकते हैं। हेलो, कोई क्वेश्चन है जी? हेलो सर, सुनिए कि पहले, हेलो सर, जी, सुन रहा हूँ। हाँ जी, वो देखना, एक मिनट, डिडक्टेबल इनकम आप पहुंच गए हैं इधर। हाँ जी, ये आपके सामने है। सर, पहले एग्जेम्प्ट इनकम को माइनस करेंगे या डिडक्टेबल अलाउंस को माइनस करेंगे? पहले एग्जेम्प्ट इनकम, मैं आपको ना एक रिटर्न का फॉर्मेट दिखाता हूँ, उसके अंदर ना आपको आसानी हो जाएगी कि पहले पहला जो कॉलम होता है ना रिटर्न का, वो टोटल इनकम का होता है, यानी इनकम प्लस टोटल इनकम, यानी उसमें एग्जेम्प्ट भी आती है। फिर दूसरे कॉलम में जो एग्जेम्प्ट नॉट टैक्सेबल फाइनल टैक्स रिजीम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम वो आती है, वो उनमें से माइनस होती है तो आगे आपकी आ जाती है टैक्सेबल इनकम, उसको वो टैक्सेबल इनकम कहते हैं। टेक्निकली वो सिर्फ टैक्सेबल नहीं है, वो आपकी नेट इनकम है, उसमें से फिर आपने माइनस करना है,
आपकी डिडक्टेबल अलाउंसेस, वो आप माइनस करेंगे तो फिर आपके पास टैक्सेबल इनकम आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, जरा ठहरिएगा। ये देखें आपके सामने क्या आ रहा है। पहला कॉलम है ये रिटर्न का फॉर्मेट जो है ना वो मैंने ओपन कर लिया है, जो अभी नया अपनों ने सॉफ्टवेयर इसमें अपलोड किया। ये पहला टोटल इनकम है, दूसरा इनकम अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फिक्स्ड ऑब्लिक फाइनल टैक्स। इस टोटल में से ये माइनस होगा तो अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स आ जाएगा। मसलन कोई एक अमाउंट डालते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे आप डालते हैं 12 लाख रुपए, ठीक है। इसमें से आप कहते हैं जी मेरा 2 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए उन्होंने ऑटोमेटिक, ये आपकी टोटल इनकम है, इसमें से एग्जेम्प्ट माइनस होगी और नॉर्मल टैक्स में जिसने टैक्स लगना है वो आपकी अलग हो गई है जी। इज इट ओके? जी सर ओके। ठीक है, किसी और का कोई सवाल है या मैं आगे चलूं? हेलो, ये अब मैं इनको जीरो कर देता हूं। ये अब आपका जीरो हो गया जी जनाब। So, हम सैलरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर मैं उन पॉइंट्स पे आ जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसमें पे वेजेस और अदर रेमुनरेशन है इंक्लूडिंग एरिया, फिर अलाउंसेज है जिसमें फ्लाइंग और सब मेरीन अलाउंसेज है, ठीक है। पहले एक चार्ट देख लेते हैं ना इनका। तीसरे पे एक्सपेंडिचर की रीइंबर्समेंट है, चौथे पे आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स है, और पांचवें पे प्रॉफिट इन लियो और इन एडिशन टू पे वेजेस और अदर रेमुनरेशन है। ये आपका फॉर्मेट जो सैलरी का वो ये दिखा रहा है। अच्छा, अब जो पे वेजेस और रेमुनरेशन आप रिसीव करेंगे, जैसे अभी मैंने अज्यूम किया, मैंने कहा जी 12 लाख है, ठीक है। उसमें से मैंने कहा जी जो 10 लाख बेसिक है, तो 10 लाख बेसिक का जो 10% है वो बन जाएगा आपका 1 लाख, इसको हम 11 लाख कर लेते हैं। इसमें से 10% जो बेसिक का है वो हम एग्जेम्प्ट करा लेते हैं। ये आपके पास ग्रॉस आ गई 11 लाख, 1 लाख रुपए आपकी जो एग्जेम्प्ट है मेडिकल अलाउंस, और 10 लाख आपका नॉर्मल टैक्स रिजीम में जो टैक्सेबल होगा। इसको हम सिर्फ टैक्सेबल इसलिए नहीं कह सकते कि इसके अंदर से डिडक्टेबल अलाउंसेज भी माइनस होने हैं, इस वजह से उन्होंने उसका नाम अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है। अब अलाउंसेज आपने लिए, आप कह रहे हैं जी अलाउंसेज मेरे पास 5 लाख के हैं, अज्यूम कर लेता हूं, और उसमें से आप कहते हैं जी जो मेरा एग्जेम्प्ट है फर्ज कर लें, जो मैंने इसको भी कैलकुलेट आप करें, तो ये आपके सामने 4 लाख रुपया आपका एनटीआर में चला जाएगा। एक्सपेंडिचर की रिइंबर्समेंट इसमें दो तरह के हैं, अगर तो आप के पर्सनल बेनिफिट या आपकी फैमिली के लिए उन्होंने खर्च किए हैं, फर्ज करें उन्होंने आपको दिए 6 लाख रुपया, और 6 लाख में से कहा कि जो इसमें जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस हैं वो 1 लाख रुपए के हैं, तो बाकी का जो 5 लाख होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। वैसे आप जो ऑफिशियल परफॉर्मेंस के लिए पैसे लेते हैं वो लायबिलिटी होती है, इनकम में नहीं आता। बहरहाल अभी हमने अज्यूम किया कि उसमें से या एग्जेम्प्ट जो है उसमें से माइनस कर दिया। अब वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो है वो इंक्लूडिंग मोनेटाइजेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट, उस पर 5% टैक्स है,
वैसे परक्विजिट जो है वो टैक्सेबल है। फर्ज करें आपको 3 लाख रुपए के हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है, तो वो चूंकि आपका टोटली टैक्सेबल होगा तो वो सीधा उधर चला जाएगा। अब आपको मिल गए कुछ, जब आपको बोनस फी कमीशन वगैरह भी दी गई वो तो कुछ ऊपर शामिल है, प्रॉफिट इन लियू ऑन एडिशन, अगर आपकी इनकम में इजाफा हो जाता है ड्यूरिंग द ईयर, आपको 4 लाख रुपए का बोनस मिल गया तो उसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपकी इनकम में जमा हो जाएगा। गर्ज ये कि जो सेकंड कॉलम है इसमें जितना एग्जेम्प्ट या एफटीआर या फिक्स वाला है वो माइनस हो जाएगा और एनटीआर वाला आगे चला जाएगा। और इसको अगर आप चेक करना चाहें तो आपने अब ये इनकम बन गई, ये देखिए ऊपर टोटल कर रहा है वो 29 लाख ग्रॉस है, 3 लाख एग्जेम्प्ट है या एफटीआर में है और 26 लाख आपका एनटीआर के अंदर चला गया। अब हम देखते हैं कि कंपटीशन में जाके उन्होंने क्या किया है। अभी हमने टैक्स को नहीं डाला जो जिसपे जो कि माइनस होना है, तो ये 26 ये देखें ये उन्होंने उठाया, ये बिजनेस में चूंकि ऑलरेडी आ रही है रिटर्न तो मैं उसके अंदर ही फीड कर रहा हूं, ठीक है, एक ड्राफ्ट अपने पास से बनाया हुआ है। बहरहाल मैं वापस आ जाता हूं क्योंकि रिटर्न किसी की मैंने ओपन की हुई है आपको सिर्फ समझाने के लिए। हाँ जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर लें वरना मैं इसको फिर फारा कर देता हूं। हाँ जी हेलो। हाँ जी मैं अभी ना एक अपनी खोल लेता हूं, उसमें जरा ज्यादा बेहतर हो जाएगा क्योंकि ये किसी की मैंने खोल दी रिटर्न तो वो मुनासिब नहीं है कि उसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करूं। मैं अपनी खोल लेता हूं। चले चले आपका ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब हाँ जी इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं वरना फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलूँ मैं। आगे आप क्या है ये आपकी वही जो अभी आपको मैं दिखा रहा था, कुछ इनकम नॉर्मल टैक्स रिजीम में कवर्ड है, अभी आपने देखा एफटीआर जो है वो फाइनल टैक्स रिजीम है, वो भी आप देख सकते हैं अगर कोई एक्सपोर्टर है फर्ज करें तो फाइनल टैक्स रिजीम में है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, डिविडेंड है और प्रॉफिट ऑन डेट है जैसे, और मिनिमम टैक्स रिजीम है, एग्जेम्प्ट इनकम के केसेस दो तरह के, टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंटली भी हो सकता है। डीम्ड इनकम है जैसे लोन अगर क्रॉस चेक में ना रिसीव करें तो डीम्ड इनकम बन जाती है, तो और लॉस ऑफ इनकम अगर आपका खर्चा इनकम से ज़्यादा हो गया तो फिर लॉस ऑफ इनकम उसको कहा जाता है। ये डिस्कशन ऑन स्ट्रीम ऑफ इनकम्स है, अगर आप इससे में कनेक्टेड कोई सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हाँ जी सर, ये जो प्रॉपर्टी है, जो आपकी आवाज, जी सर, अभी ये जो प्रॉपर्टी एंड डेट है ये इसमें सेपरेट ब्लॉक में जाता है या एफडीआर में जाता है? प्रॉफिट ऑन डेट जो है ना बेसिकली, अगर तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर बिजनेस इनकम में है, ठीक है, मसलन मसलन जो बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, जो बैंकिंग कंपनी है उसका काम ही लेंडिंग एंड बोरिंग करना होता है तो उसकी ये बिजनेस इनकम है। और अगर आपने वैसे ही डिपॉजिट कराया हुआ है उस पर रिटर्न आपको मिला है
तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेपरेट ब्लॉक में जाके अगर 50 लाख रुपए तक है तो वो उस पर 15% जो होगा वो आपका फाइनल टैक्स हो जाएगा एक्सेप्शन को निकाल के, और अगर आप 50 लाख से ज़्यादा हुए तो फिर आप पे नॉर्मल टैक्स जो है उस पर चार्ज हो जाएगा। हाँ जी फिलहाल जी फिक्स 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 जी फिक्स टैक्स है ना, फिक्स टैक्स है। हाँ जी कोई और सवाल है आपका या आगे चले? अच्छा सर ये जो एग्रीकल्चर इनकम है ये एग्जेम्प्ट है? आगे आ रहा है जी आपका ये सवाल, आपका आगे भी आ रहा है। अब ठहरो एक मिनट, ठहरो मैं आपको दिखा। सर ये जरा प्रॉफिट ऑन डेट का दोबारा बता दीजिएगा मेहरबानी। नहीं उन्होंने सवाल ये किया था, अब जरा गौर से सुनना, उन्होंने सवाल ये किया था कि प्रॉफिट ऑन डेट का क्या करना है, तो भी मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट ऑन डेट पे जो पेयर है बेसिकली प्रैक्टिस ये है कि वो अगर रिड्यूस रेट ना हुआ तो 15% आपका टैक्स काट के वो आपको दे देते हैं। अब आपकी अगर इनकम 50 लाख से कम है तो फिर आप जो 15% होगा वो फिक्स टैक्स है, वो सेपरेट ब्लॉक में जाके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। और अगर क्या कहते हैं कंपनी है तो कंपनी के लिए ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स होगा, 15% कटेगा और कंपनी उस पर, अगर स्मॉल कंपनी नहीं है तो 29% है, वरना 20% टैक्स जो है उस पर वो जमा कराएगी कैलकुलेट और 15% माइनस करके बाकी जमा कराएगी अगर वो टैक्सेबल हुआ तो। और 50 लाख से ऊपर गया तो चाहे फिर इंडिविजुअल है या AOP है वो सारा प्रॉफिट जो होगा, फर्ज करें आपको मिला 60 लाख रुपये ड्यूरिंग द ईयर, 15% उन्होंने यानी 9 लाख रुपए काट लिया है। अब आप 60 लाख रुपए को नॉर्मल टैक्स में टैक्स कैलकुलेट करेंगे और उसमें से जो आपका 9 लाख कटा, फर्ज करें आपका बन गया 12 लाख रुपए, 12 लाख में से जो 9 लाख कटा हुआ है वो माइनस हो जाएगा और बाकी आप स्टेट को एडजस्ट करेंगे ड्यूरिंग द ईयर या आप उसकी पेमेंट करवाएंगे। हाँ जी अब क्लियर है? आपने सुना नहीं लगता गौर से। हाँ जी किसी और का? हाँ जी वो सवाल क्लियर है जी। हेलो जी सर इसमें था कि जिनके लिए नहीं है वो बैलेंस फिर जमा कराएंगे, और जिनके लिए हो सकता है रिफंड आ जाए ये भी हो सकता है। जैसे कंपनी है, जैसे सुने ना कंपनी है, कंपनी का आ गया ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस लॉस और इधर से प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है और कंपनी की इनकम नॉर्मल टैक्स रिजीम में कवर्ड है तो वो इसको एडजस्ट कर लेगी ना, जब एडजस्ट करेगी तो वो 15% भी वापस आ जाएगा। समझ आती बात जी? और कुछ में अगर एक बंदा नॉर्मल टैक्स रिजीम में चला जाता है ठीक है, यानी कि 50 लाख से ऊपर वो चला जाता है, तो क्या हम इसके अगेंस्ट कोई एक्सपेंसेस भी फिर उसमें क्लेम कर सकते हैं? देखिए अदर इनकम में जब आप NTR में जाएंगे तो आप उसको अर्न करने पे जो एक्सपेंडिचर है वो आप माइनस कर सकते हैं। जैसे आपने आगे लोन लिया हुआ है ठीक है, और इसको अर्न कर, बैंक चार्जेस को पे किए, चेकबुक के चार्जेस हैं, कलेक्शन चार्जेस अगर आपको पे, उसको अर्न करने पे जो एक्सपेंसेस है। जैसे बिजनेस है ना, तो बिजनेस में आप बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं, पर्सनल नहीं कर सकते। कैपिटल गेन में कैपिटल गेन से रिलेटेड जो उसको अर्न करने पे है वो वाले माइनस होंगे। प्रॉपर्टी इनकम में जो स्पेसिफाइड है 15A में वो वाली डिडक्शन आपको मिलेंगी, जहाँ जहाँ स्पेसिफिक है वो है, और जो जो लॉ आपको अलाउ करेगा वही आप क्लेम करेंगे और जो लिमिटेशन है उसके साथ आप आगे जाएंगे। कोई और सवाल है आपका? हाँ जी आकिब आपका भी ओके है? जी सर जी चले आगे चलते हैं जी। सो पहला हमने क्या किया, इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम,
दूसरा स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, तीसरा है ये अभी आपने जो इन्होंने सवाल किया वो कर लेते हैं, एग्रीकल्चर इनकम पे बात कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने सवाल किया तो मैंने कहा चलो इसको पहले कर लेते हैं। हाँ जी, आपके सामने है पहला नेट एग्रीकल्चर इनकम टू बी डिक्लेयर्ड, मैं इस पर फिर बात करता हूँ। दूसरा टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम टू बी पेड टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर बनेगा तो, क्रेडिट टू बी क्लेम टू द एक्सटेंट अदरवाइज द सेम विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब बात ये हो रही है कि लगता कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, भाई कोशिश किया करो, वक्त पे आया करो, आप लोग टाइम देखो कितना हो रहा है, चलो तो आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर इनकम आपके सामने है, पहली बात तो यह है कि आपने जब इनकम टैक्स रिटर्न बनानी है तो उसके अंदर नेट एग्रीकल्चर इनकम आपने लेके जानी है। नंबर वन, नेट मींस कि अगर खर्चे उसमें हैं तो वो आप माइनस करेंगे तो जितने भी होंगे रिलेटेड। नंबर टू, ये अब मैटर चला गया है एग्रीकल्चर इनकम सूबे के पास, 2013 या 14 से ऑनवर्ड जो है ना उन्होंने उनको दिया हुआ है। तो अब बात ये हो रही है कि, और दूसरी बात ये है कि अब चूंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, हम सूबे को पे करेंगे, दो बातें होगी अगर बनता होगा तो। तीसरी बात ये है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न में इतना क्रेडिट लेना है कि टैक्स से अगर मैं इनकम वर्क बैक करूं तो जो क्रेडिट होगा ऑब्वियसली उस इनकम में से टैक्स माइनस करके जो बचेगा वो आपका क्रेडिट होगा। मसलन मैंने उससे प्रॉफिट कमाया फर्ज करें 5 लाख रुपए, अज्यूम कर रहा हूं मैं अपने पास से, और टैक्स दिया मैंने फर्ज करो 10,000 रुपए, ठीक है, तो 4,90,000 रुपये मेरा जो होगा वो वाइट हो जाएगा। फिर एक और पॉइंट है कि अगर आपने सूबे को टैक्स ना दिया तो 111 के अंदर उन्होंने एक सबसेक्शन डाला हुआ है जो ये कहता है कि अगर सूबे को टैक्स ना गया तो फिर फेडरल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम के तौर पे टैक्स नहीं कर सकती क्योंकि सेक्शन 41 अवेलेबल है, वो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बना के आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे। आखिरी बात यह है कि इसकी रिटर्न सेपरेट है जो सूबे को फाइल होती है, और चौथा पॉइंट ये है कि ये इनकम बेस या एरिया बेस दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आपको जमा कराना होगा। अब आपने एग्रीकल्चर इनकम से कनेक्टेड कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। सर से मेरा एक सवाल है कि एग्रीकल्चर इनकम के लिए जो हम एग्रीकल्चर टैक्स पे करते हैं उसकी हम अपनी रिटर्न के अंदर कहाँ पे एंट्री करेंगे? क्या वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर ही नेट हुआ होता है या उसकी अलग से पर्सनल एक्सपेंसेस में हमने रेंट रेट्स में एंट्री करनी होती है उस टैक्स की, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स की करते हैं? अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है आपने ये कौन सा टैक्स दिया और किसको दिया? ये पंजाब को दिया है जी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर फॉर्म 32 टू ए पे, ठीक हो गया। अब आप क्या चाहते हैं कि रिटर्न में किधर जाएगा? कौन रिटर्न में क्या हम इसको पर्सनल एक्सपेंसेस में लेंगे? पहली बात तो यह है कि भाई आपने जो इनकम डाली है, अल्लाह आपका भला करे, इनकम टैक्स रिटर्न में वहां एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है। खैर अभी देख, अभी खोल लेते हैं, सब्र करें जरा। ये जरा चेक करें क्या लिखा हुआ है, मैं 1 मिनट आया ये पेपर रख के।
हाँ जी, ये देखें इसके अंदर पहला लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इनकम, ओबीसी टोटल, आगे एग्जेम्प्ट और फिर एनटीआर, फिर नीचे उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पेड टू प्रोविंसेस, क्योंकि एक से ज्यादा सूबों में अगर आपने पे किया है, यहाँ तो कंबाइंड हो गया ना उसने, अगर मेरी दो सूबों को इनकम जा रही है, दोनों को टैक्स जा रहा है, तो आपने ऊपर एग्रीकल्चर इनकम लिखनी है, ओबियसली आगे आप उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, और जैसे फर्ज करें मैं यहाँ फीड करता हूँ, मैंने कहा जी मेरे पास आई 20 लाख, तो 20 लाख ही मैंने इसको कहा कैलकुलेट करो भाई, उसने ये डाला, फिर मैं आ गया कि एग्रीकल्चर जो फर्ज करें मेरा टैक्स जो गया है वो 3 लाख रुपए है जो सूबे को मैंने दिए या सूबों को दिया, ठीक है, जी अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो डिक्लेरेशन दी है वो मैंने 20 लाख नेट इनकम कमाई थी, ठीक है, अब ऑब्वियसली ये टैक्स से पहले वाली इनकम है, और जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स मैंने दिया वो 3 लाख रुपए है, तो जो मेरा वाइट होगा वो ऑब्वियसली वो होगा 27 लाख रुपए। आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। सर, मैं यही पूछना चाह रहा था कि अब ये जो 20 लाख है ये हमारी एग्जाम्प्ट इनकम में आ जाएगा कंपटीशन के अंदर, ठीक है, एग्जाम्प्ट इनकम, बट ये जो 3 लाख हम टैक्स पे कर रहे हैं ये इसका कैश में कहाँ से इसका इफेक्ट जाएगा भाई इसमें? वो जब आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट इनकम में रिकंसिलेशन में डालोगे तो वहां आप 17 लाख रुपया डालोगे, समझ आ गई अच्छा बात? हेलो, जी उधर सर उधर आप अपनी इसको भूल जाओ, अगर आप बिजनेस इनकम कमाते हो 5 लाख रुपये 15 लाख रुपये, उस पर 2 लाख टैक्स दोगे, रिकंसिलेशन में कितना जाएगा? सर कैंसिलेशन में 15 लाख ही जाएगा। नहीं, 15 तो कमाया, 2 लाख रुपए टैक्स भी दिया है ना, तो कितना नेट बचा? 13, नेट तो 13 बचा सर। तो 13 ही वाइट होगा ना। दो तरीके होते हैं, इनकम पूरी लेके आउटफ्लो को कैश फ्लो में डाल दो बिजनेस के, या नेट ले जाओ, बात एक ही है, आप बात समझते हो? जी सर, एज पर ला क्या तरीका बेस्ट है बेस्ट बेस्ट तो रिकंसिलिएशन यही करने है के कि आप लिए? दो 20 लाख को लग कर दो और 3 लाख को लग करके टैक्स के कैश फ्लो में उसको डाल दो, उसको कैश फ्लो में, बिजनेस के कैश फ्लो में। कोई और सवाल तो नहीं हाँ आपका? सर, नहीं सर ठीक है, आगे चलिए। हाँ जी समीर, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रहा था यहाँ जो आपने इनकम शो की है 20 लाख, ये बिफोर टैक्स है ग्रॉस, ये बिफोर टैक्स है, ऐसा ही है, उसके बाद टैक्स डाल दिया तो वो जारी टैक्स बात है, एग्रीकल्चर पर लगता वो फिर आउट हो जाएगा ना, ऊपर मैं अगर टैक्सेबल नहीं लिखता कुछ और लिखूंगा तो वो कुछ और ही हो जाएगा तो ऊपर। मेरे रिकंसिलेशन में फिर 20 माइनस 3 17 लाख रुपए जी इनकम जी में आ बिल्कुल जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, या आप 20 लाख ले जाओ, 3 आउटफ्लो में ले जाओ, ये भी ठीक है, वो भी यानी कि वो लेकिन आपने नेट पे लेकिन करा। वो कैश फ्लो बिजनेस की होगी, पर्सनल की नहीं, पर्सनल में तो 17 लाख ही आया ना आपको। 17 लाख किया है मैंने तो, मेरा तो आउटफ्लो हो गया ना 3 लाख का, वही हाँ, हो गया लेकिन बेहतर ये नहीं होता तो है सर कि आप मेरा। बेहतर ये होता है कि आप बिजनेस के अंदर कैश फ्लो जो है ना उसके अंदर इसको इनफ्लो और आउटफ्लो में लेके जाओ। लेकिन यहाँ तो डिक्लेरेशन ऐसे ही होती है ना, जो इनकम यहां टैक्स तो का मजबूरी है ना, यहां तो नेट फिगर आती है ना, यहां तो हर एक चीज का ब्रेकअप यहां नहीं ना आ सकता, हाँ जी सर, फिर इसकी डेट भी तो काउंट होती है ना, पैसा ड्यूरिंग द ईयर है, टैक्स बाद में पेड हुआ है तब, तो वो डेट वाइज कैश फ्लो बनेगी ना, समझ आती बात? अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर मैंने जमीन ठेके पे दी है हाँ और उस बंदे ने टैक्स, मुझे मुझे भी ठेका आ रहा है, फर्ज कर रहे हैं मुझे 10 लाख रुपए आ रहा है साल का हाँ और उसने 20 लाख कमाया, तो जमीन पे एरिया बेस्ड टैक्स दे दिया, तो वो मैं कैसे क्लेम करूंगा, वो कैसे नहीं क्लेम नहीं करेगा? तुमने तो रेंट ले लिया ना, तुम्हारी तो रेंटल इनकम एग्रीकल्चर इनकम में शामिल है ना, नहीं, मुझे रेंट पे लैंड टैक्स देना पड़ेगा। तुम्हारा देखो पहली बात तो पहले इनकम तय कर लो ना, फिर टैक्स भी कर लेना, इनकम मेरी रेंटल इनकम है, दोनों सैलरी की इनकम है, रेंटल सैलरी इनकम इनकम है। या सुन लो या बोल लो, फिर एक ही चीज हो सकती है एक वक्त में। मैं चुप,
चुप हो गया। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अगर पहले आप ए और बी को अलग कर लो, ठीक है? एक मिनट ठहरो, कुछ ज्वाइन तो नहीं करना चाह रहा, मैं चेक कर लूँ। अभी 15 मिनट है, अभी 10 मिनट, 5 मिनट पहले फिर इसको दूसरा लिंक आपको भेज दूंगा। अब सवाल ये हो रहा है कि अगर ए ने ठेके पे जमीन दी बी को, ए ने रिसीव किया 10 लाख रुपए, उसकी 10 लाख इनकम आ गई, अगर उसका कोई खर्चा है उसको अर्न करने पे, कहीं कोई बंदा रखा हुआ है जो कलेक्ट करता है, ठीक है, तो फिर तो वो अपना खर्चा माइनस कर लेगा। लेकिन अगर उस मसलन अब प्रॉपर्टी टैक्स तो इसी ने पे करना है ना, वो तो उस बंदे ने नहीं पे करना, प्रॉपर्टी तो इसकी है, तो अगर प्रॉपर्टी किसान टैक्स, वाला पे करना। हाँ जी, अगर ये कोई प्रॉपर्टी टैक्स है, कलेक्शन चार्जेज है, या कोई चीज़ या रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, कोई भी चीज़ जो इसके जिम्मे है, अगर ये पे करता है, या गार्ड इसने रखा हुआ है कि जी जमीन मेरी है तो मैं गार्ड आपको दे देता हूँ, एक मैं बात कर रहा हूँ, तो जितने इसके उसको अर्न करने पे एक्सपेंडिचर हैं जो लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे सेक्शन 21 के और 174 के, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। नंबर 1, तो फिर वो खर्चे माइनस करके आएगा। अब रही बात बी की, तो बी, ये बी का केस है जिसने एग्रीकल्चर इनकम कमाई और उसने खुद अपनी इनकम पर टैक्स दे दिया, तो दोनों कवर्ड हो गए आपके। इशू क्या है, दोनों की एग्रीकल्चर इनकम जो है वो टैक्सेबल है, लेकिन एक एक मिनट एक मिनट ये टैक्स दे रही एक मिनट दोबारा करना, आवाज बंद हो गई थी। है। हेलो, जी आवाज आ जी रही है? अब आ रही। जी, मैं कह रहा हूँ कि बी जो है, जिसने ठेके पे जमीन ली है, हाँ उसने एग्रीकल्चर इनकम कमाई और उसमें से रेंट दे दिया ए को। जी अब जो बी है, बी ने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स भी दे दिया। जी वो अब दोनों ए माइनस के पास करेगा, जो इनकम, वो पहले अपने खर्चे माइनस करेगा। देखो दो चीजें हैं, एक है इनकम बेस्ड टैक्स और एक है एरिया बेस्ड टैक्स, दोनों में से जो हायर होगा वो आपने पे करना है, वो देना है, वो देना टैक्स है। दिया बी ने, टैक्स दिया बी ने। अब वो जो ए की इनकम है वो क्या इंडिपेंडेंट है या एक बी मिनट का ही ठहरो, है? वो बी एक मिनट ठहरो ना, एक मिनट ठहरो। अब पहला सवाल यह है कि एरिया बेस्ड टैक्स ए ने देना है या बी ने देना है? जमीन ए की है तो ए देगा, बस फिर आप बी पे साथ मिक्स ना ना करो फिर, तो आप नहीं अपनी दूसरा केस भी बनाया ना। ठहरे ना एक मिनट, दूसरा आप कौन दूसरा केस सा, भी बनाया। दूसरा तो कौन अगर सा? बी की इनकम है और हाँ इनकम बेस्ड टैक्स बी ने दे दिया, हाँ तो फिर ए की जो इंडिपेंडेंट इनकम है क्या वो डायरेक्ट से टैक्स देगा जो उसी इनकम में ही वो तो कवर क्या होगा? वो पहले अलग से नहीं दे रहा टैक्स? बी जो है ए और बी दोनों अलग अलग नहीं है? तो अलग अलग, तो लेकिन बस अगर 25 लाख रुपए, लेट्स सपोज इनकम हो आपने गया खुद ही जवाब और दे पच्चीस दिया, लाख रुपए आपके सवाल के अंदर ही जवाब है, आपने खुद ही अभी जवाब दिया कि ए और बी दोनों अलग अलग है, तो जब अलग अलग है और लो भी एग्रीकल्चर इनकम में, दोनों की एग्रीकल्चर इनकम बना रहा है, तो बात खत्म हो गई। टेक्निकली स्पीकिंग अगर बात की जाए तो ये तरीका गलत है, क्योंकि एक ही वक्त में दो बंदे एग्रीकल्चर इनकम कैसे कमा सकते हैं, ठीक है? इसको अदर इनकम में जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि लॉ बना हुआ है हमें मजबूरन फिर लॉ के तहत चलना पड़ता है, तो उन्होंने जिसने कमाया उसका तो समझ आता है, रेंट जो है उसको एग्रीकल्चर इनकम में नहीं, उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आना चाहिए था, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, प्रॉपर्टी में ज्यादा सूट करता है, लेकिन चूंकि लॉ बना हुआ है उन्होंने स्पेसिफिकली सेक्शन 41 में ये लिखा हुआ है कि जो रेंट रिसीव करेगा तो वो भी उसकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको सेक्शन 41 दिखा देता हूँ, और अगर नहीं देखना चाहते तो बात खत्म करें। हेलो, आवाज बंद हो गई भाई। एक सर, एक चीज बताइएगा कि अगर ए ने मिनट ठहर बिना जाओ, रिसीव ओ किए भाई है। ठहर जाओ ठहर, पहले समयूल का सवाल था पूरा हो गया? समयूल किधर हो? लगता है समयूल लाइन पे नहीं है। समयूल आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, वो लगता है वो नेटवर्क का या प्रॉब्लम आ रहा है। चलो फिर तुम कर लो सवाल। मैंने हेलो, कहा अगर ए ने ठेका रिसीव किया है, ए ने अगर ठेका रिसीव किया है तो वो अपना एरिया बेस या इनकम बेस में से इसको क्यों डिफरेंशिएट करेगा? वो तो खाली ठेके की अमाउंट को डिक्लेयर करेगा। नहीं पर आपने देखो ना, बात सुनो, जिसकी जमीन है अगर वो खुद कल्टीवेशन करता तो उसने कंपैरिजन करना था ना, नहीं, अगर वो खुद नहीं कर रहा, जा रहा ठेका ले रहा, फिर तो वो कल्टीवेट नहीं करेगा ना। तो नहीं करेगा तो फिर एरिया, जमीन तो इसी की है ना,
बस वो टिकट क्लियर करेगा ना, फिर इसमें वो इनकम या एरिया बेस के ऊपर तो नहीं जाएगा। ये अब सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि जब वो रेंट पे देगा तो क्या एरिया बेस्ड टैक्स वो देगा, सवाल अब ये है। एक मिनट ठहरो, ये किसका माइक ऑन हो जाता है यार, जरा चेक करो। अच्छा, सवाल पे सवाल आ गया है। वो ये कह रहे हैं, मेरा कह भी ठीक है, वो कह रहे हैं जी कि अगर एक बंदा ठेके पे जमीन दे देता है और दूसरा बंदा इनकम बेस्ड टैक्स दे देता है और आप भी दे देते हैं, तो फिर एरिया बेस्ड टैक्स जो है क्या वो आएगा कि नहीं आएगा? देखो, मेरे हिसाब से तो जो मालिक है एरिया बेस्ड भी उसके पास ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दूसरे रेंट वाले का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। अगर आपकी जमीन पे ज्यादा टैक्स बनता है तो वो कहेगा जी मैं क्यों दूंगा, मैंने तो वो कमाया भी नहीं है, वो आप जाने और सिस्टम जाने। हेलो, ठीक है यार, आवाज में कोई मसला आ रहा है, डिसऑर्डर। हाँ जी, किसका? सर ये तो असल में किसी की हैंड फ्री है जो जो मल फंक्शन कर रही है, उस वजह से डिस्टॉर्शन आ रही है। अब एक हैंड मिनट फ्री किसने लगा दी ये पता नहीं। भाई, जरा हैंड फ्री अपनी चेक कर ले, बीच में डिस्टोर्शन आ जाती है, दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, जरा ठीक करें इसको। चले, आप पहले पूरा क्लियर करो भाई, क्या नाम है तुम्हारा, तुम पहले करो। जी, मैंने बस यही पूछा था कि वो मेरा हैदर, अगर एक बंदे ने ठेका रिसीव कर लिया वो आ तो गया वो जवाब। आप ठेका। इतनी कहानी क्यों सुना रहे हो? आपको जवाब दे दिया मैंने, अभी दिया तो है। मैंने ये कहा है कि जिसकी जमीन है वो एरिया बेस्ड और इनकम बेस्ड विच एवरी हायर पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे का कोई कसूर नहीं है। वो एरिया बेस्ड टैक्स क्यों देगा, उसकी जमीन है ही नहीं, वो कहेगा जी मैं तो मालक ही नहीं हूं, मैंने तो ये कमाया, ये आप ले लें मुझसे, बात खत्म हो गई। सर जिसने ठेके पे लिया है ना वो भी इनकम बेस और एरिया बेस के ऊपर कैलकुलेशन करेगा, जो हायर होगा उसके ऊपर उसने टैक्स देना है। किसने जिसने 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 ठेके पे दी ठेके है पे ली हुई जी, है वो इनकम और एरिया बेस के ऊपर डिफरेंशिएट वो करेगा। क्यों देगा भाई? जिसने काम करी नहीं, जिसने जिसने काम करी नहीं नहीं भाई, जिसने जमीन ली है ठेके पे उसकी तो जमीन है ही नहीं, वो एरिया बेस क्यों देगा भाई? वो कहेगा जी मेरा एरिया से क्या ताल्लुक है, आपकी जमीन है। सर अच्छा सुनो, उस जमीन पे अगर जी, प्रॉपर्टी टैक्स होगा तो कौन देगा? चलो ये बताओ पहले, तो वो तो लैंडलॉर्ड ने देना, प्रॉपर्टी टैक्स बस का पता फिर नहीं। सर एरिया बेस का ताल्लुक उसके साथ मेरे हिसाब से नहीं बनता भाई, मुझे नहीं ये समझ आता कि मेरा जो ख्याल है, जो मैंने लॉग मेरा ख्याल है जो फर्क है उसके अंदर, वो जो एरिया बेस और इनकम बेस आता है ना, वो जिसने कल्टीवेट किया है उसके सिनेरियो में आता है। तो वो तब होता है जिसने जब आप खुद कल्टीवेट कल्टीवेट कर रहे हो। आपको कब नहीं उसने सर, कहा कि दूसरा बंदा कल्टीवेट कर रहा हो तो वो भी एरिया बेस कंपैरिजन करेगा? ये किधर लिखा हुआ भाई? क्योंकि जो पंजाब का जो टैक्स है, ये एग्रीकल्चर टैक्स है, उसके अंदर जो कैलकुलेशन की जाती है उसी बेस पे की जाती है कि आपने एरिया बेस पे कर रहे हैं, विच एवरी हायर जो तो वो किसके एरिया लिए बेस पे होती कर है रहे ये भी हैं। बता दो, किसके लिए होती है? कल्टीवेटर के लिए, कल्टीवेटर के तो लिए उसमें कल्टीवेटर कौन होता है जो बताया गया है? जिसने जो काश्तकारी कह रहे हैं ना, जो कल्टीवेटर है, अगर ओनर नहीं है, लैंडलॉर्ड नहीं है, जो रेंटर है, जो किराएदार है, जिसने ली हुई है, ये ये इसकी मुझे बात कर तो रहा हूँ। हजम नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल इसको मैं चेक कर लूंगा। अगर आपके क्वेश्चन में अगर उस पे अप्लाई होता हुआ तो ये फिर कल बात करेंगे, अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि कभी ऐसे हुआ हो कि जी टेनेंट को एरिया बेस्ड टैक्स आ गया हो, अभी तक तो ऐसे नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल क्वेश्चन एक आपका है, एक मिनट ठहरो, अगर कहते हो तो मैं अब, चूंकि उसमें उसमें तो वो ये नहीं बताता ना, उसमें तो ये वो बताता है कि जो ऑब्वियसली उसकी एग्जम्पशन ये होती है, एग्रीकल्चर लॉ वाले की एग्जम्पशन ये है कि वो मालक खुद है, ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अच्छा एक और भी चीज है, आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है जो सूबाई है उसमें क्या जो रेंट है उसका कुछ जिक्र है उसके अंदर? मुझे ये याद पड़ता, मैंने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा? मैंने भी काफी अर्सा हो गया पढ़ा हुआ है। पंजाब का जो एग्रीकल्चर लॉ था ना, उसमें भी सुने वो खर्चे भी माइनस किए नहीं जाते नहीं हैं, वो सारा ठीक कुछ है, वो कर सरकार लिए ना, वो तो ठीक है। रेंट का है सर जिक्र, रेंट का जिक्र है नहीं आप नहीं आ, जो सेशन नहीं 4A वो में, 4A ठीक जो है, लॉ वो है उसने उसमें ये रेंट जरूर का कहा हुआ है कि रेंट आप जिक्र दूसरे बंदे को देंगे, ये उसने कहा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है कि सवाल वो सर ये है, सवाल सर ये है कि अगर 30 लाख की इनकम आ जाती है और बंदे ने ठेके पे ली है, वो 30 लाख में से जो A का शेयर है वो माइनस करेगा, जो नेट इनकम बचती है उस पे टैक्स दे देगा। जी ऐसा ही है, ऐसा ही इसका है। मतलब उसने तो अपने शेयर पे दिया ना, अब A जो है वो इंडिपेंडेंट टैक्स पे करेगा जो उसकी उसकी इनकम बनती है।
मुझे सिर्फ ये एतराज है कि जिसकी जमीन है एरिया बेस्ड टैक्स भी उसको लगना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। बस यही मैं कह रहा हूं, और उसको फिर मार्केट वैल्यू से कंपेयर भी करेगा, विच एवर इज हायर का चक्कर भी है। अगर उनको पता लग जाता है कि ये इनकम अंडरस्टेट की गई है, और एग्रीकल्चर लॉ के अंदर ये डीम टू बी ऑर्डर नहीं है, ये भी बताता चलो, उसने कलेक्टर ने उसकी असेसमेंट करनी है। उसके पास कंपैरिजन करने के जो बेसिस है वो रहे नहीं कि जमीन उसकी थी नहीं, एरिया बेस पे वो जा नहीं सकता, उसने जितनी इनकम कमानी उस पर टैक्स दे देना बस। तो ये वो ऑप्शन ए कि लैंडलॉर्ड के लिए अवेलेबल है, तो उसको वो जो शेयर आ रहा है और एरिया बेस है वो कंपेयर कर दे तो भाई तो तुमने आगे अगर आगे पहले ही अंडरस्टेट कर दी इनकम, तो मैं क्या यहाँ तमाशा देखने आया हूँ? आपकी इनकम बनती थी, फर्ज करो रेंट बनता था, मैं एक बात कर रहा हूँ, जो भी इनकम आपने कमाई है वो बनती थी 50 लाख रुपए, आपने मुझे 25 लाख शो कर दिया, अब मैं क्या करूं? वो तो गलत हो ना, वो ये तो फिर तो वो असेसमेंट बनती की नहीं है, वो पावर, अनफेड हो। उनके पास उसमें अवेलेबल है। ये रिटर्न जो एग्री इनकम को आप देंगे, ये डीम टू बी ऑर्डर नहीं समझा जाएगा 120 की तरह, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। अब रही बात इसकी कि कौन देगा, ये चेक कर लेते हैं कल के जनाब, अगर अगर इनकम बेस्ड टैक्स टेनेंट पे कर रहा है तो क्या एरिया बेस भी वही पे करेगा? क्योंकि किसी या दोनों पे करेंगे, ये भी एक सवाल है, क्या दोनों पे करेंगे? ये सवाल है, नहीं दोनों को पे नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि लैंडलॉर्ड लैंडलॉर्ड के लिए कंपैरिजन होना चाहिए और जो टेनेंट है नहीं, उसको वर्क दोनों करना चाहिए। दोनों क्यों नहीं करेंगे? जब वो एग्री इनकम पे दे सकते हैं तो एरिया बेस क्यों नहीं दे रहे? अच्छा सर, फिर रिटर्न कौन फाइल करेगा दोनों मैं का, वही आपसे ये कह रहा सवाल हूं, है। मुझे ये लगता है अपेरेंटली, ये तो अब देखना पड़ेगा कि लॉ क्या करेगा, अपेरेंटली मालिक को एरिया बेस देना चाहिए, लेकिन अगर सिस्टम कहेगा कि वो देगा तो हो सकता है वो दोनों को लग जाए फिर, क्योंकि अगर इनकम बेस हो सकता है तो फिर एरिया बेस भी हो सकता है, जब बेसिस ही दो हैं, या किसी एक को फिर एरिया बेस होगा, दूसरे को इनकम बेस होगा, ये देखना पड़ेगा, ये मैं चेक कर लेता हूँ, ये मैं आपसे कल फिर बात करूंगा नेक्स्ट में। ये भी चेक कर लें, और ये भी चेक कर लें कि इन दोनों में से फिर रिटर्न कौन फाइल करेगा। नहीं, रिटर्न तो दोनों ने करनी है भाई, रिटर्न को छोड़ दो आप। आपने भी लगा तो जब जी नहीं, जी एक ए की तो लग रिटर्न होएगी, नहीं बी आएगी की सर लग रिटर्न होएगी, के बाद, ए और बी दोनों सर की लग जब लग होएगी। रिटर्न के बाद जब दोनों ही फाइल करेंगे, मेरे केस में दोनों ने रिटर्न फाइल की थी, जो लैंडलॉर्ड है उसको भी टैक्स आया था प्रॉपर्टी टैक्स, वो डिफॉल्टर था उसको टैक्स आया हुआ था कि ये एग्रीकल्चर का जो टैक्स है ना वो पे करे आप, और जो कल्टीवेटर है उसने तो करना ही करना है, लैंडलॉर्ड ने भी करना होता है और एग्रीकल्चर तो किसी जब को पे नहीं आपने करता। दोनों ने और इनकम, नहीं, मैं एग्रीकल्चर रिटर्न की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर की रिटर्न की सर। मैं भी उसी की हाँ बात हाँ कर रहा हूं। बात कर रहा हूँ, तहसीलदार देता ही है आपको जो इसका नहीं, चालान है ना, एक जमीन की दो रिटर्न नहीं फाइल होती भाई, आप इसको भी चेक करें वो क्यों एक जमीन की वो कहता है, अगर तो कहता है टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों नहीं रिटर्न में फाइल कर सकते, कोई एक करेगा। ये तो फिर टैक्स किधर गया मेरा? जब लगता ही नहीं था तो फिर लिया क्यों मुझसे आपने? वही बात है ना, ये तुम्हें किसने कहा कि अभी वो एक ही करेगा फाइल? ये किस तरह का कानून है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। सर एग्रीकल्चर जमीन तो और एक ही, नहीं जमीन तो भाई, एक ही है, और नहीं भाई, वो नहीं बात यार नहीं ये होगी अलग ना, अलग है भाई, तुम अलग टेनेंट और अलग, लैंडलॉर्ड तुम अलग है। नहीं बहस बहुत करते वहाँ हो, वहाँ ए रिटर्न अलग है, बी अलग है, ए की एग्री इनकम अलग है, बी की अलग है, सिंपल चीज को क्यों कॉम्प्लिकेट करी जा रहे हो? पहला वाला सवाल सिर्फ वैलिड है कि एरिया बेस्ड टैक्स दोनों ने देना है या एक ने देना है, सीधी सी बात है, उसको उधर ही रहने दो, आप अंदर और बीच में मिर्च मसाले डाल देते हो, वो ना डाला करो आप, उतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करते हो? जब ए लग गया और बी लग गया और दोनों इनकम कमा रहे हैं तो दोनों ने देना ना यार, इसमें क्या लड़ाई है? अब ओके है, आगे चलूं अब, के कोई और सवाल है तो वो करो, इसी को सर, लेके लिंक बैठ जाए। एक्सपायर हो रहा है, लिंक पहले रिन्यू कर लें उसके बाद फिर आगे अच्छा चलते हैं। मैं करता हूं जी, आपको भेजता हूं।
हाँ जी स्क्रीन जरा चेक करें। ठीक है जी, स्क्रीन तो आ रही है। बस ठीक है। अब लोग पहले पूरे आ जाए। अच्छा तो एग्रीकल्चर इनकम जी, तो हमने पहले कहा नेट एग्रीकल्चर इनकम आपने डिक्लेयर करनी है, खर्चे माइनस करके टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम सूबे को देंगे और इधर आप रिपोर्ट भी करेंगे, अभी आपने देखा। अब रहेगी क्रेडिट की बात, तो मैं आपको 111 सेक्शन दिखा देता हूं ताकि आपकी ये चीज जो है ना क्लियर हो जाए। मैं आपको हाँ जी 111 मैंने आपको दिखाना है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, अगर आप इजाजत दें। हाँ ये पहले कर लेने दो ना, अब एक चीज पहले खत्म होगी तो दूसरे पे जाएंगे ना। नहीं, वो इसी का, वो एग्रीकल्चर इनकम का था, वैसे आगे हाँ चले जाएंगे, बस वो एक। नहीं, आगे नहीं जाएंगे, मैं इधर ही हूं। आप ये देखो, ये देखें जी 111 वन का जो बी है ना, ये प्रोविजो पढ़ो जी। हैदर तुम पढ़ो प्रोवाइडेड एट, पहले इसे बी से पढ़ लो, ये किससे कनेक्टेड है, ये बी से पढ़ो। दी दी सप्रेस्ड, डिस्प्लेस्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन सेल्स और एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स और ऑफ एनी आइटम ऑफ रिसीव्ड लायबल टू टैक्स शैल बी इंक्लूडेड इन द परसेंट इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द एड इनकम फ्रॉम बिजनेस टू द एक्सटेंट इट इज नॉट एडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड ये तो प्रोवाइडेड दैट हाँ आपसे रिलेटेड ये वाला है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ टैक्स पेयर एक्सप्लेन्स द नेचर एंड सोर्स ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड और द इन्वेस्टमेंट मेड मनी और वैल्यूएबल आर्टिकल ऑन और फंड्स फ्रॉम व्हिच द एक्सपेंडिचर वाज मेड बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर इनकम सच एक्सप्लेनेशन शैल बी एक्सेप्टेड टू टू द दी एक्सटेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम वर्क बैक ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स पेड अंडर द रेलेवेंट प्रोविंशियल लॉ। लो, तो जो आपने उनको दिया होगा, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, आपने कहा जी मैंने 20 लाख के ऊपर 3 लाख रुपए दिया, तो आपका 17 लाख रुपए आपका वाइट हो जाएगा। अब बात समझते हैं। और अगर आपने ये सूबे को टैक्स ना दिया, ये भी एक चीज है, भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब जहरी बात है इसमें बड़ा क्लियर हो गया, कि अगर आप वो रिस्पेक्टिव प्रोविंस को टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, सर
तो क्या होगा कि आपको फिर आपको वो एक्सपेंडिचर को, आपने कहा जी मैंने 10 लाख पे खर्च किया, मैंने कहा भाई पैसे कहाँ से आए, आपने कहा जी एग्रीकल्चर इनकम, मैंने कहा दिखाओ भाई, उसका टैक्स आपने सूबे को दिया और टू डैट एक्सटेंट आप उस अमाउंट को यहाँ पे वाइट कर सकते हैं, यानी वहां पे आपका 17 लाख जो भी मैंने आपको दिखाया वो आपका वाइट रहेगा। हाँ जी ये क्लियर है जी, पहले इसे ओके करें फिर मैं अगला सवाल आपका लेता हूँ फिर। हेलो, जी सर क्लियर है, अभी चले। जी अच्छा अब उसको कहते हैं वो सवाल कर ले। हाँ जी अब आप सवाल ऐड कर ले जी। नहीं सर, मेरा बस ये टू दी एक्सटेंट तक ही था कि जो इन्होंने स्टेटमेंट लिखी है टू दी एक्सटेंट तक कि आप क्रेडिट ले सकते हैं, तो क्या बंदा इससे कम ज्यादा भी ले सकता है जो इन्होंने यहाँ तक ये बात जरूरी की है? देखिए दो चीजें हैं ना इसके अंदर, पहली बात तो ये है कि अगर एक चीज की कैपेसिटी नहीं है तो आप रेंट कैसा ले, उसकी इनकम कैसे जनरेट ज्यादा कर सकते हैं। मैं एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहा हूं। अगर मार्केट में वैल्यू एक प्रॉपर्टी की जो रेंट की है वो 2 लाख रुपए, आप 3 लाख रुपया ले लेते हैं, ठीक है, तो इससे लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा कि नहीं वो डिपार्टमेंट को ये चेक करना है, क्योंकि रेसिपिएंट के लिए तो कहेगा ठीक है भी तुम दे दो ज्यादा पे, तो उसको कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो बंदा देने वाला एक्सपेंडिचर क्लेम करेगा वो कहेगा यार मार्केट में तो इतना बनते नहीं, तुमने इससे ज्यादा कैसे पे कर दिया। समझ आ रही बात आपको? तो वो अपने फायदे की बात करेंगे ना, वो कहेंगे जनाब पेयर को पकड़ लो और रेसिपिएंट को ठीक है भाई दे दो इस पे टैक्स, वो दोनों को पकड़ लेंगे, वो अपने फायदे की चीज निकालेंगे, उनको क्या जरूरत है कि उसको कहेंगे जी रेसिपिएंट को कहें जी इनकम कम करें, उनका दिमाग खराब है क्या? वो कहेगा ठीक है भाई तुमने 2 की जगह 3 लिया मुझे क्या इतराज है, लाओ टैक्स दो मुझे, वो ले लिया उसने। पेयर को जाके वो कहेगा भाई ये मार्केट में तो 2 लाख है, तुमने उसको 3 क्यों दिया ये बताओ, तुमने इनकम को अंडरस्टेट करने के लिए किया सारा। समझ आ रही बात? जी बिल्कुल ठीक है वो सर। अपना लॉस ऑफ रेवेन्यू वो दोनों तरफ से पकड़ेगा उसको जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का, ये मैं आगे चलूं। सर वालेकुम सलाम। सर ये मैंने 21 में एग्रीकल्चर इनकम शो की थी, मुझे नोटिस आ गया, कहते आप बताएं कि सुबह ही एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे किया हुआ या नहीं। जी ठीक है। जब नोटिस आया तो मैंने कहा वो हो तो मैंने दिया ही नहीं था, तो मैं आज की डेट में पे करके तो वो वैलिड हो जाएगा मेरा एग्रीकल्चर इनकम? हाँ जी हो जाएगा वैलिड, आप जमा करा दें पैसे उसके। तो पे नहीं किया था, अब मैं 23 में आज की डेट में पे कर देता हूँ, तो बिल्कुल पे कर दें, लेकिन उसमें उसमें डिफॉल्ट सर चार्ज वगैरह चेक कर लीजिएगा, वो जरा वो अपनी जगह पे है। ठीक है, मतलब पे आप किसी भी टाइम करके तो अपने वो चीज खत्म कर हाँ सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं, अगर आप पेमेंट कर देते हैं और आपकी लाइबिलिटी, और इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है, आप लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, और आगे पीछे जरा चेक कर ली, आगे पीछे चेक कर लीजिएगा कि बाकी सालों में क्लियर है कि नहीं, एक ये तो एक ही क्लियरेंस है ना, बाकियों में क्या किया बाद में और पहले, जरा वो देख लीजिएगा जी। जी और किसी का कोई सवाल है, एग्रीकल्चर इनकम दिखाता हूँ जी दोबारा, ये हम एग्रीकल्चर इनकम पे बात कर रहे थे तो, और इसका जो लॉ अलग है, वहां उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया हुआ है, एरिया बेस भी कैलकुलेशन की हुई है, उसके फॉर्म जाके आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का जो लॉ है उसका, उसके रूल्स अलग हैं, उसमें फॉर्मेट गिवन है, आप जाके चेक कर सकते हैं, शेड्यूल्स में रेट्स हैं 1 और 2 में, और फॉर्म उसके अलग से अवेलेबल है, वो आपका फॉर्मेट रूल्स के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास पड़ा हो कहते हैं तो आपको दिखा देता हूँ, वरना आप खुद देख लेना, क्या कहते हैं? सर दिखा देंगे मेरा ख्याल है मैंने इस पे ना सेमिनार किया था, एक मिनट ठहर मैं अभी निकालता हूँ, मिलना चाहिए मुझे। ये है ये, इसके सेक्शन है जी जो जो एक्ट है इसका, ठीक है
ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी कर देंगे आपको। अच्छा अब आपको चाहिए फॉर्म चाहिए ना असल में। इसके मैंने रूल्स भी बनाए थे, अब इसमें अगर मुझे मिल जाते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये है जी रूल्स भी आ गए, वर्ड की फाइल है लेकिन अब फॉर्म्स हम अगर नीचे होते हैं तो फिर देख लेते हैं, वरना फिर ये मटेरियल ही होगा। इसमें भी नहीं है इनकम टैक्स पंजाब एग्रीकल्चर डी के अंदर भी यू के अंदर भी है। मेरा हर एक इसमें होना चाहिए पंजाब एग्री इनकम टैक्स फाइनल टेस्ट इनकम। इसमें मुझे वो नजर नहीं आ रहा, वैसे वो साइड पे भी पड़ा हुआ है। ठहरो मैं आपको उधर से निकाल देता हूं। पंजाब एग्रीकल्चर रूल्स 2001 आना तो चाहिए इसको, लग तो मुझे यही रहे आर्टिकल है ये तो। ये है जी ये देखें इसमें ना ये पड़ा हुआ ही, ये देखें आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है फॉर्म ए जो है फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑफ टोटल एग्रीकल्चर इनकम अंडर दी पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। बल्कि मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ आपको आसानी हो जाएगी। साइज जरा बड़ा आ जाएगा ना डाउनलोड हो जाएगा तो। ये देखिए आप ये देखिए इसका फॉर्म ए है, उसका पार्ट वन है और पार्ट टू है, ठीक है। बाकी तो फॉर्म एक्नॉलेजमेंट वाले। पार्ट वन जो है वो बेस करता है स्टेटमेंट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर इनकम ड्यूरिंग द इनकम ईयर एंडेड ऑन, ठीक है। और पार्ट टू आपका कंपटीशन ऑफ टैक्स है, वो खैर पहले ऊपर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ये देखें पहला जी फॉर्म ए है, ये रूल्स इसके जो 2001 के हैं। नेम है जी उसका पार्टी का, फादर नेम, नेशनैलिटी, नेशनल टैक्स नंबर, परमानेंट पोस्टल, पार्ट वन। अब इसके के अंदर क्या है, टोटल इनकम फ्रॉम रेंट ड्राइव फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन द पंजाब एंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस एंड अदर इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर और परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, ये सारा इसके अंदर शामिल है। फिर वो कहता है और प्रोड्यूस दे दो रिसीव्ड इन जो भी आपके पास आएगा, लेस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, टोटल एग्रीकल्चर इनकम फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स अमाउंट एट सीरियल माइनस एट टू, वन में से टू माइनस होगा ये इनकम आपकी आ जाएगी। फिर आपका एग्रीकल्चर इनकम फॉर द टैक्स पर्पस के लिए बेसिक एग्जम्पशन देके एग्री इनकम पे टैक्स है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सीरियल नंबर 3। अब अमाउंट ऑफ लैंड बेस्ड टैक्स असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया नेट शोन ड्यूरिंग द सेम टैक्स इनकम ईयर, एरिया बेस आ गया 6 में इन केस ऑफ एन एग्रीकल्चर इनकम 4 बीइंग मोर देन टैक्स एट 5, बैलेंस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पेबल विद द रिटर्न आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट सीरियल नंबर 5 ऑलरेडी पेड इफ अटैच फोटोकॉपी ऑफ द रेलेवेंट रिसीट, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पेड विद द रिटर्न
और चॉइस ऑफ असेसी रिगार्डिंग कलेक्टर ऑफ दस्तावेज हु शुड असेस द एग्रीकल्चर इनकम। ये इसलिए होता है कि एक से ज्यादा डिवीजन में अगर हो तो जहां एरिया ज्यादा करीब होगा वहां पे आप असेस होंगे। फिर इसकी वेरिफिकेशन है और ऑब्वियसली आगे एक्नॉलेजमेंट है इनकी जो फाइल होनी है। तो बेसिकली वो दोनों चीजें आपसे ले गया, इनकम बेस भी ले गया और एरिया बेस भी ले गया। ये इसका फॉर्म ए है जो इसके अंदर अटैच है। आप लोगों ने कोई सवाल करना है या मैं आगे चलूं? हेलो सर, रेंट वाला भी आ रहा है। आ गया ना, ये इसके, ये देखो ना, ये देखो, ये वाला पढ़ो ना, ये देखो, इसके अंदर वो दोनों कवर कर गया वन में। ये जो वन है इसके अंदर टोटल इनकम फ्रॉम रेंट ड्राइव फ्रॉम लैंड पहला शुरू ही उसने इससे किया। अगर ठेके पे दिया हुआ वो भी इधर ही है। ये भी तो हो सकता है कि मैं कल्टीवेशन भी कर रहा हूँ और रेंट पे भी दिया हुआ है, मेरी दोनों ही आ रही हैं। ये भी हो सकता है, एक जमीन किराए पे दी हुई है, दोनों यहाँ क्लब होते हैं। हाँ जी, एक मैंने किराए पे दी हुई और एक पे मैं खुद कल्टीवेशन कर रहा हूँ, बिल्कुल हो सकता है। लाहौर में मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ, फैसलाबाद वाला मैंने रेंट पे दे दिया। कुछ भी हो सकता है ना जी, दो रेंट भी हो सकते हैं, दो मिक्सअप हो सकते हैं, एक हो सकता है, कुछ भी है, इनकम तो इनकम ही है। हाँ जी, बल्कि सेक्शन ये भी बताते हैं कि आप क्या क्या माइनस कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूं। ये मैं अभी क्लोज करता हूं, ये भी क्या, इनकम टैक्स ये वाला निकाल लेते हैं, ये जी आपका इसके अंदर देखें, मैं आपको एक्सपेंडिचर दिखाता हूं। चार्ट वैसे मैंने बनाया हुआ है, ये तुम्हारा ना उसका जवाब भाई क्या नाम है, हैदर, मेरी बात कर रहे हैं? हाँ जी, मेरी बात कर, आने लगा। ये देखो असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स में जरा देखो क्या कहता है, ये पढ़ो जरा, द टैक्स शैल बी, पढ़ो, ये सेक्शन 4 की बात कर रहे हैं? हाँ जी, 4 का वर्ण, द टैक्स शैल बी असेस्ड एंड कलेक्टेड बाय द कलेक्टर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन केस ऑफ असेसमेंट रिगार्डिंग एन ओनर होल्डिंग लैंड इन मोर देन वन पटवार सर्कल, the owner shall file a statement regarding the location of his land in the Punjab in such manner as may be prescribed. Every person whose total agricultural income or the total agricultural income of any other person in respect of which he is assessable under this act for any income year herein after referred to as said income year exceed the maximum amount which is not chargeable to tax under this act. Or. Or who himself or any other person on whose behalf he is accessible under this act has during this said income year cultivated land measuring 50 acres or more of irrigated land or 100 acres or more of. बस ठीक है, आपके सवाल का जवाब आ गया। इसको पढ़ के बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि ये लैंड लॉर्ड को एरिया बेस्ड होगा, वो जो टेनेंट होगा उसको नहीं होगा। इसको पढ़ के बड़ा क्लियर नजर आ रहा है जी, बिल्कुल ऐसे ही है सर, ठीक है, क्लियर है। ये तो बात क्लियर हो, तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो टेनेंट होगा वो एरिया बेस्ड टैक्स नहीं देगा, क्योंकि क्योंकि वो कहेगा जी मैं ओनर नहीं हूं ना, जो उस बेस पे टैक्स है। अब बहरहाल इसको मैं वेरीफाई कल करता हूँ, इसको पढ़ के तो यही लगता है अभी वर्बल ये है, लेकिन इसको मैं वेरीफाई करता हूँ। और जो मैंने आपको खर्चे, ये देखो खर्चे ये है, वैसे मैंने इसका बनाया हुआ है, ये आप देख, ये इसको पढ़ने की बजाय ना मैं आपको वो दूसरा दिखाता हूँ, 4A जो मैंने बनाया हुआ है। एक मिनट,
रूल्स तो सिर्फ रिटर्न का फॉर्मेट बताएगा, उसके कंपोनेंट्स और चीज़ें कुछ कभी कभी उधर पड़ी होती हैं, कभी उस दूसरे में पड़ी होती हैं, कभी रूल्स में कभी सेक्शंस में। इसका 4A देखते हैं। ये देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है सेवन अलाउंसेज एंड डिडक्शन है एग्रीकल्चर इनकम के लिए। पहला जी एनी एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर, ये लेबर से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। परचेज ऑफ सीड फर्टिलाइजर है, हायरिंग एंड रिपेयर मेंटेनेंस है, ये आपके सामने एनिमल्स ट्रैक्टर मशीनरी रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ वाटर कोर्सेज, एनी एक्सपेंडिचर ऑन हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग, लोकल टैक्स रेंट रेट्स एंड मार्कअप, उशर, लोकल इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्यूल, रेंट ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर, ये देखो इधर गिवन है। ऑब्टेनिंग ऑफ एग्रीकल्चर लोन, मार्कअप है, डेप्रिसिएशन है मशीनरी पे 15% WDV का, और इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर होंगे, जब सेमिनार किया था तो उस वक्त मैंने ये बनाए थे। तो ये सेवन टाइप्स ऑफ आपके एक्सपेंडिचर हैं जो आप एग्रीकल्चर इनकम के अगेंस्ट, अलाउंसेज एंड डिडक्शन है जो आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपको पता है एक्सपेंस नहीं होता, ये अलाउंस होता है। दिस इज द ओनली एक्सपेंस जिसके साथ अलाउंस लिखा हुआ है, बाकी सारे एक्चुअल है। ये आपको पता है एस्टीमेशन होती है जो बिल्डिंग जो डेप्रिसिएशन है, इसलिए इसका नाम अलाउंसेस है और डिडक्शन है। हाँ जी, डिडक्शन का भी पता लग गया। कोई और सवाल है या मैं आगे चलूं? सर इसमें जो ए का पांचवें नंबर पे ना, ये जरा किसका पांचवें नंबर वाला रेंडरिंग द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट, असल में वो ये कहता है कि अगर अगर आपने देखो ना, आपने फर्ज करें गंदम बेचनी है, अब गंदम मैं हाथों में तो ले जाने से रहा, उसको कम से कम प्रॉपर बोरियों में पैक करके, ताकि उसकी कोई उसको पहले साफ करके नीट एंड क्लीन करके उसको फसल, और सिर्फ वो इसलिए है कि वो गंदम ही मैंने बेचनी है, लेकिन मैं डायरेक्ट इस तरह काट के नहीं बेच सकता, उसकी सफाई सुथराई करके उसको पैक करके तो फिर मैं मार्केट में बेच रहा हूँ, लेकिन मैंने उसकी शेप चेंज नहीं की, गंदम का आटा नहीं मैंने बना दिया, ठीक है, तो उसकी शेप चेंज किए बगैर अगर फिट टू बी टेकन टू दी मार्केट के लिए जो खर्चा होगा वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बेसिकली बात ये हो रही है। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल है या आगे चले? उसको बेच यार, अब आप उसी वक्त उठा के तो नहीं बेचोगे ना आप, अगर आप फिट टू बी टेकन टू द मार्केट है, अगर आपने कोई चीज मार्केट में ले जाने के लिए, वो जरूरी है कि मार्केट में ले जाने के लिए आपको रेंट भी देना पड़ेगा, लेबर भी हायर करनी पड़ेगी, लेबर है ना ऊपर हेड क्या, ये लेबर है, ये लेबर है ऊपर, देखें ब्लैक मैंने इसलिए किया ताकि देखते ही पता लग जाए, ये लेबर के खर्चे हैं सारे, टिलिंग दी लैंड, सोइंग दी सीड, प्लगिंग प्लांटिंग है, टेंडिंग एंड प्योरिंग है, सारे लेबर के एक्सपेंसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने इनकम की डिडक्शन जो है आपको वो इसके अंदर दी हुई है, और रिटर्न के अंदर उसने सिर्फ टोटल लिखा और ब्रेकअप उसने दिया इधर 4A के अंदर। हाँ जी, कोई सवाल है या आगे चलूं? जी सर, मेरा एक सवाल है कि अगर कोई बंदा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको अपने बेचने की बजाय उसको अपने पर्सनल बेनिफिट में यूज कर रहा है, हाँ अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है जी। आपको क्या लगता है वैसे? नहीं, आपने एग्रीकल्चर आपने प्रोडक्शन तो कर ली जी, और सेल्फ यूज कर ली आपने जी सर, तो क्या करना चाहिए अब हमें? उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस प्रोड्यूस की, ठीक है, तो बोला अगर वो मेरी ना होती तो मैं बैंक से परचेज करता, तो उसको पहले एग्री इनकम के अंदर ऐड होना चाहिए। अच्छा, फिर खर्चे लेस होंगे। अच्छा, तो फिर लेस कितनी करोगे? वो भी फेयर मार्केट वैल्यू। हाँ
हमारे जो नॉर्मल एग्री एक्सपेंसेस होंगे, जो एक्चुअल होंगे, वही करेंगे ना। नहीं खर्चे तो वो तो ठीक है, मान ली मैंने बात। फर्ज करें आपने आपने बना ली 8 लाख की गंदम, अगर आप बाहर बेचते तो आप बेचते 12 लाख रुपए की, उसको आपने सेल्फ यूज कर लिया, अब क्या करूं सर? अब ये है कि मैं जब अपना गोशवारा जमा कराऊंगा उसका टैक्स का, उसमें मैं 12 लाख ही इसकी वो शो करूंगा। अच्छा 12 लाख शो कर दो। अच्छा 12 लाख शो करके माइनस कितना करूं? 8 लाख? नहीं माइनस 8 लाख तो नहीं करेंगे, वो तो जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए होंगे हमारे, तो वो 8 लाख ही है ना, एक्चुअल तो 8 ही है ना भाई, 8 लाख ही करेंगे। हाँ तो बाकी 4 लाख की इनकम आ जाएगी जी सर, उस पर टैक्स देना है 4 लाख तो एग्जेम्प्ट है। 4 लाख आपको किसने कहा? एग्री इनकम 80,000 पे तक, 80,000 पे तक एग्जेम्प्ट, बाकी टैक्सेबल है, आपने टैक्स देना है इस पे। 4 लाख जी, हाँ जी 4 लाख है उधर, 4 लाख तक। अच्छा फिर तो चलो वो ठीक है, फर्ज करें वो आपको ज्यादा आ गया तब क्या करेंगे? मेरा सिर्फ सवाल इतना, 6 लाख मैंने, वो कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि ये मेथडोलॉजी जो आप बता रहे हैं ये ठीक है क्या? मैं बात ठीक है, सो टैक्स तो बनता है उसको सर, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स है, मैं तो अपने जाति इस्तेमाल की उगा के। अच्छा क्या आप अपने आप को चीज बेच सकते हैं, पहला तो सवाल ये है सर। देखिए जिस तरह बिजनेस में होता है, ठीक है, अगर बिजनेस के अंदर कोई ड्राइंग करता है अपनी जो गुड्स उसकी है, स्टॉक एंड ट्रेड है, ठीक है, उसको अगर वो ड्राइंग करता है तो उसकी दो एंट्री होंगी, एक तो उसका कैपिटल कम होगा, दूसरा सेल भी तो डलेगी ना बिजनेस की। बिल्कुल है, सेल टैक्स में तो ऐसे ही है, इनकम टैक्स में क्या है? अगर मैं अपनी ही चीजें अपने इस्तेमाल के लिए ले जाता हूँ तो लो ये कहता है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस वैल्यू पे आप फिर अकाउंट फोर करेंगे, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी वो इनकम 4 लाख से ज्यादा हो गई नेट खर्चा माइनस करके, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा सूबे को, देना पड़ेगा सूबे को जी सर। ऐसा ही है जी सर, मैं तो ये समझता हूँ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ जी प्रिंसिपली तो ऐसे ही होना चाहिए, बात तो समझ आती है। आपका कोई और सवाल है? जी सर, इससे कनेक्टेड था कि कुछ लोग होते हैं जो जैसे फ्लोर मिल्स होती हैं, उनकी अपनी एग्रीकल्चर लैंड होती है, ठीक है, वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, उसको ये कि सेल करने की बजाय खुद ही अपनी कंजम्पशन के अंदर ही बिजनेस के अंदर ज्यादा रॉ मटेरियल वो यूज कर रहे हैं जी, तो उस केस में भी हम फेयर मार्केट वैल्यू ही उसकी कॉस्ट लेंगे बिजनेस जी। बिल्कुल ऐसा ही है, ये ना इस पे रूल है 10 और 11, 10 मेरा ख्याल है एंटरटेनमेंट है, 11 रूल के अंदर उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर आप एग्री को एज ए इनपुट के तौर पे यूज करेंगे अपनी ही चीज को, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आप जो बाहर से खरीदते तो कितने का मिलता, वो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस पर्पज के लिए उसमें से माइनस कर सकते हैं, ठीक है, और जो फेयर मार्केट वैल्यू बनेगी इतनी हम अपनी पर ग्रॉस इनकम लेंगे अपनी। हाँ जारी बात है, क्योंकि क्योंकि अगर आप बाहर बेचते तो इतना ही कमाते हैं ना, तो एग्जम्पशन भी मुझे इतने की मिलनी चाहिए ना फेडरल लॉ में। जी सर ठीक है, सर क्लियर है, ठीक है ना। एक और भी चीज है ना, वो ये है कि आपने पहले पूरी पूरी कॉस्ट पहले माइनस कर ले, ये भी एक तरीका होता है। लोग क्या कहते हैं कि अगर मैं ये बाहर से गंदम खरीदता तो जारी बात है मुझे एक्सपेंडिचर मिलना था, अब चूंकि मैंने खुद अपनी ही चीज में यूज कर लिया तो मेरे प्रॉफिट में दो तरह के प्रॉफिट ऐड हो गए, एक आ गया एग्री इनकम वाला और एक आ गया अदरवाइज वाला, एक एग्जेम्प्ट है और एक एक नॉन एग्जेम्प्ट है। फेडरल की बात हो रही है अभी, जो फेडरल वाला एग्जेम्प्ट है 41 वाला वो निकल जाएगा, दूसरे वाले पे टैक्स लग जाएगा, ये तो क्लियर है। और सूबे वाला वो जो आपने तरीका भी बताया कि फेयर मार्केट वैल्यू में से वो लेस करके इनकम आप उधर ऑफर कर दे, अगर उस पर टैक्स लगता होगा तो उनको दे दे। अच्छा सर एक मेरा एक सवाल है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है अगर हम उसको सेल आउट नहीं करते, हम अपने पास स्टॉक रख लेते हैं, एक जमींदार अपने स्टॉक रखा हुआ है उसने सेल नहीं किया, तो क्या स्टिल हम फिर भी उसकी वो ग्रॉस इनकम लेंगे? नहीं अभी तो कमाई नहीं, तो इनकम कहाँ से आएगी? या तो आप उसको बेचें या इस्तेमाल करें तभी इनकम आएगी ना। अच्छा तो स्टॉक तो आ गया ना उसके पास? नहीं स्टॉक आ गया तो वहां तो मेरे पैसे लगे हुए हैं भाई, मुझे पैसे भी तो दिलवाओ ना, या मेरे घर में आटा पकवाओ मुझे दो, मैं पकाऊं खाऊं पीऊं कुछ, या मैं किसी को बेचूं। अगर स्टॉक में ही पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ तो इनकम कहाँ से आएगी? ना वो कंज्यूम्ड हुआ ना वो सोल्ड हुआ, तो किधर गया? जी सर
वो सवाल ये था कि क्योंकि वो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो कहते हैं कि जो झाड़ होती है ना आपकी, हम इसके इसके ऊपर टैक्स लेंगे, ना कि आपने इसको एक्चुअली सेल किया है या अपने पास रखा हुआ है इसकी, यानी कि इसको नहीं देखेंगे। नहीं, ये तो आपने क्लियर ये कर किसने दिया। कहा आपको, ये किसने कहा आपको, ये अपने पास से कहा आपने? ऐसे जो डिस्कशन हो रही थी ना कि वो झाड़ के ऊपर लेते हैं, किसके ऊपर है? जो जो झाड़ होता है ना आपका, जो प्रोडक्शन है, आप उसकी बात कर रहे हैं? जी सर, प्रोडक्शन वो भाई फेडरल एक्साइज ड्यूटी पॉइंट अप्लाई होती है प्रोडक्शन पे। सेल टैक्स जो है वो सप्लाई के ऊपर होता है, और इनकम टैक्स जो है इनकम के जनरेट करने पे है। तो इनकम है किधर भाई? अगर आप उसको या तो इस्तेमाल करें, देखें जहां लॉ कहेगा कि इनकम, वेयर इज द इनकम, इनकम किधर है, मेरा सवाल ये है। आप फर्ज करें आपने जून में एक चीज खरीदी मार्केट से, अब गौर से सुनना, आपने खरीदी 4 करोड़ रुपए की, जून में पड़ी नहीं और आपने बेचा उसको अगले साल में, तो क्या जून में इनकम ऑफर करूंगा मैं? क्या तो मैंने तो कमाया ही कुछ नहीं, मैं कहां से, मैं तो स्टॉक में डालूंगा उसको, क्लोजिंग स्टॉक है मेरा वो, जब जुलाई में बेचूंगा फिर मेरी इनकम आएगी। ठीक है, वो चीज बना लेने से थोड़ी इनकम आ जाती है। ठीक है सर। और दूसरा, दो चीजें ना, एक फैक्चुअल पॉइंट है, एक लीगल पॉइंट है। फैक्चुअल पॉइंट ये है कि मैंने इनकम कमाई नहीं। दूसरा, लॉ में कहां लिखा हुआ है कि खाली प्रोडक्शन कर देने से इनकम टैक्स जमा कराना है? ये किधर है? ये दोनों तरफ नॉकआउट हो जाएगा वो, ऐसे ही है। नहीं नहीं मैंने नहीं कहीं पढ़ा भाई, इस तरह की कोई चीज नहीं है कि प्रोडक्शन बेस आपको, वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है। जैसे ही प्रोडक्शन आप करेंगे, आपको जैसे ही माल निकलेगा फैक्ट्री में से, प्रोड्यूस होगा, तो उसी वक्त ही फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो चार्ज हो जाती है। इनकम टैक्स और सेल टैक्स में ऐसे नहीं है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है। जब आप करेंगे, ठीक है, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन भी हैं, मसलन आपने एक जो है ना, कोई चीज़ आपके पास बच गई है, वो डिस्ट्रॉय हो गई है, उसको भी वो क्या समझते हैं कि ये डिस्पोजल हो गई है, एक्सीडेंटली फारग हो गया, कुछ क्लेम मिल गया तो ठीक है, वरना सारा प्रॉफिट एंड लॉस उनको चार्ज हो जाएगा। तो कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है, कुछ चीज़ें बच जाती हैं, अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है। कुछ जगहों पे सेल टैक्स में ऐसे भी होता है कि जहाँ पे वो उसको आपकी इनकम वैल्यू जो फिर स्क्रैप की जो निकलेगी, जारी बात है सेल प्राइस फिर वही लेगा ना उसकी। जी सर, ऐसे ही। तो मैं स्पेशल ट्रांजेक्शन्स की बात नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ सिर्फ स्टॉक बनाया है और कल को मैंने बेचना है और कल को इसने ऑफर भी होना है। अब दो दफा तो टैक्स नहीं ना देना, एक मैं आपको प्रोडक्शन पे दे दूँ और जब बेचूँ तब भी दूँ, ये तो मेरे लिए मसला क्रिएट हो जाएगा। आज मैं आपको दूं, आप टैक्स लगा दें, कल जब मैं बेचूं तो वो मेरा 4.5% या 4% टैक्स काट ले सप्लाई पे, अगर कट गया, एक बात कर रहा हूं, तो फिर उस वक्त क्या होगा? तो मैं तो इन चक्रों में ही फंसा रहूंगा फिर। हाँ जी, कोई और सवाल है? वरना एग्रीकल्चर इनकम जो है, इस पे बात हुई अभी हमारी, आगे चलूं? जी सर, आगे चलें। ये मैं छोड़ गया था बीच में आपके सवाल की वजह से। फॉरेन सोर्स में भी पांचों हेड्स ऑफ इनकम आपको नजर आएंगे, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। फॉरेन सोर्स इनकम रेजिडेंट के लिए और नॉन रेजिडेंट के लिए, तो उसकी क्वेश्चन मैंने ऊपर आपकी एक बनाई थी, एक मिनट दिखाता हूँ। वो दूसरे में थी कि रेजिडेंट के लिए उसकी वर्ल्ड इनकम पे टैक्स है और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स लगेगा अगर एग्जम्पशन अदरवाइज ना हुई। फॉरन सोर्स सैलरी पे अगर आप टैक्स दे आते हैं तो वो पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है 102 सेक्शन में। सैलरी के अलावा जो इनकम आप टैक्स देकर आएंगे, अगर आप रेजिडेंट है तो आपको एग्जेम्प्शन ना मिली, तो पाकिस्तान का टैक्स या बाहर का टैक्स जो भी ज्यादा होगा वो आपको लगेगा, और जो कटा होगा वो माइनस हो जाएगा, और बाकी का अगर पेमेंट निकली तो आप पेमेंट करेंगे, अगर एक्सेस हुआ तो वो इग्नोर हो जाएगा। और टैक्स क्रेडिट, ये तो खैर अब आपको मैं जरा शीट दिखाता हूँ। उसमें पांचों हेड आपको नजर आएंगे। ये देखें जी, आपका जो रिटर्न दिखा रही है फॉरेन सोर्स इनकम में, फॉरेन
प्रॉपर्टी इनकम ओब्लिक लॉस, फॉरेन बिजनेस इनकम, फॉरेन कैपिटल गेन ओब्लिक लॉस, फॉरेन अदर इनकम और फॉरेन सोलिंग, वो सारे उन्होंने आपसे लिए हुए हैं। और ऑब्वियसली ये बात हो रही है रेजिडेंट पर्सन की, क्योंकि नॉन रेजिडेंट की ये इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है। बहरहाल उसकी प्रेजेंटेशन फिर अपनी होगी, अगर वो शो करना चाहे तो वो शो करके एग्जम्पशन ले सकता है, क्योंकि कल को वो पैसा इस्तेमाल भी कहीं होना है, उधर या इधर। जी जनाब, कोई क्वेश्चन है या मैं आगे चलूं? हेलो, क्यों जी, ओके है? एक एक करके भाई, कौन बोल रहा है? सर, ये जो फॉरेन इनकम होती है इसके अगेंस्ट भी हम जो सेम एक्सपेंसेस हैं जो लोकल इनकम अगेंस्ट क्लेम कर रहे होते हैं वही कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो उसको अर्न करने पे हुए होंगे, उसकी बात हो रही है। लोकल का लोकल में और फॉरेन का फॉरेन में जाएगा, तभी तो लॉस आप देख सकते हैं ना, पहले चारों में लॉस भी वो दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होंगे तो उनमें भी लॉस होता है। सैलरी में चूंकि एक्सपेंस लो नहीं होता, इसलिए सैलरी में लॉस नहीं हो सकता। सैलरी या जीरो है या आपको नहीं मिलेगी, दो ही चीजें हैं, जीरो हो जाएगा या मिलेगी या नहीं मिलेगी। सर, इसमें जरा ये एक्सप्लेन कर दें कि अगर कोई इनकम वहाँ एफडीआर में है और यहाँ एनडीआर में है, और यहाँ एफडीआर में वहाँ एनडीआर में, तो नहीं नहीं आपने आपने पहले आपने वहां के एफटीआर को नहीं देखना, आपने इधर को देखना है पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक। जब आप उसको इधर, अच्छा, उसका मैंने एफटीआर पे टैक्स दिया है, तो नहीं नहीं ये जरूरी नहीं है कि वो एफटीआर है तो पाकिस्तान में भी एफटीआर ही होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक हो गया, तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वहां पर जो टैक्स दिया एफटीआर पे वो माइनस हो जाएगा? पहले आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट, अगर तो वो सैलरी है और वहाँ पे आप टैक्स दे आए हैं तो वो इनकम पाकिस्तान में 102 सेक्शन में एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड कि आप प्रूफ दिखा देंगे कि मैंने टैक्स वहाँ दिया हुआ है। सैलरी वाला निकल गए बंदे रेजिडेंट, दूसरों के केसेस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या खर्चे माइनस करके चेक करेंगे और उसकी इनकम या जो भी आएगा उस पर जो आपने टैक्स दिया होगा उस इनकम को, नेट इनकम को पाकिस्तान में लाएंगे आप, और पाकिस्तान में अगर एनटीआर में है तो एनटीआर की इनकम में जमा किया जाएगा। मसलन मेरी बिजनेस इनकम पाकिस्तान में 10 लाख है नेट, और वहां से जो टैक्सेबल आई है वो 20 लाख है, मुझे 30 लाख पे टैक्स लग जाएगा। अज्यूम करो ये स्मॉल कंपनी है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, इन दोनों को इस पे 20% रेट है, 30 लाख पे 20% रेट लगाओ, 6 लाख रुपये टैक्स बनता है। 6 लाख में से जो आपने बाहर टैक्स दिया है वो आप माइनस करेंगे, फर्ज करो वहां मैंने दिया 4 लाख रुपए, तो बाकी का 2 लाख आपको देना पड़ेगा। और अगर यहां बना 4 लाख और 6 लाख बाहर दिया तो मैक्सिमम 4 लाख तक रेंट मिलेगा और वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां दे के पैसे रिफंड पाकिस्तान से नहीं आप मांग सकते, टेक्निकल पॉइंट है इसके अंदर, इसलिए ज्यादा का क्रेडिट वो नहीं देते। सब में ऐसा ही होगा। अब एफ टी आर पे आते हैं, अगर पाकिस्तान में इनकम एफ टी आर में कवर्ड है और वहां आपने टैक्स उसका दिया हुआ है तो ना उसका टैक्स क्रेडिट होगा और ना ही वो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत है। लेकिन अगर एफटीआर है और इधर उधर टैक्स दिया ही नहीं तो फिर पाकिस्तान में टैक्स लग जाएगा, यानी लॉस भी इग्नोर होगा, फॉरेन लॉस फॉरेन सोर्स इनकम के गेन जाएगा। सैलरी टैक्स दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो पाकिस्तान में टैक्स हो जाएगा, ठीक है। तीन बातें, चौथी बात यह है कि जो खर्चे हैं जहरी बात है माइनस होके आएगा। फिर पांचवी बात यह है कि अगर एफटीआर की इनकम होगी और उस पर टैक्स दिया होगा और वो टैक्स ऑब्वियसली पाकिस्तानी रेट के बराबर है तो वो फाइनल डिस्चार्ज होगा, उस पर ना टैक्स क्रेडिट होगा ना उसको दोबारा टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपने वहाँ 10% दिया और यहाँ 15% है तो 5% आपको देना पड़ेगा, या वहाँ जीरो है यहाँ पे उसको टैक्स लगना है, या कटा नहीं वहाँ पे तो 15% है तो 15% पाकिस्तान में देना पड़ जाएगा। गर्ज ये कि पाकिस्तान का टैक्स देखा जाएगा, पाकिस्तान का टैक्स या बाहर का टैक्स जो ज्यादा होगा, हमने तो पाकिस्तान का टैक्स देखना है, हमें तो पाकिस्तान के टैक्स लॉ के मुताबिक टैक्स निकालना है, वो निकाल लिया तो उसमें से जो बाहर का टैक्स है वो माइनस हो जाएगा। ये बेसिकली सूरत हाल है। जी 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 ऐसे ही है, जी ऐसे ही है, वो माइनस हो जाएगा।
हाँ जी आगे चलें जी। सर, यहाँ पे ये लिखा हुआ है टोटल अमाउंट, ये कौन सी टोटल अमाउंट है, नेट इनकम जो है, नेट प्रॉफिट वो लिखना है फॉरन। जी, ऑब्वियसली अगर आपकी सैलरी है तो वो भी ग्रॉस है, और आगे देखें ना एग्जेम्प्ट या सब्जेक्ट टू फाइनल वो वाले हैं, फिर एंड पे एनटीआर में जो इनकम जाएगी वो बाकी बचेगी। हाँ देखे ना, इनकम और लॉस उसको ख्वाजा साहब क्लियर भी कर रहा है। लॉस कब आता है, जब खर्चे इनकम से ज्यादा, तो इनकम कब आती है, जब आपकी इनकम खर्चों से ज्यादा हो जाए, क्योंकि ग्रॉस इनकम और नेट इनकम में फर्क है ना, वो आपको पता है। हाँ जी कोई क्वेश्चन है या आगे चलूं? सर लॉस तो लॉस है ना, लॉस में तो कोई टेंशन नहीं है, वो फॉरन लॉस फॉरन है। लॉस फॉरन सोर्स इनकम के केस ही एडजस्ट होगा, और कैरी फॉरवर्ड करके भी। अच्छा एक और भी चीज है इसमें, हेडवाइज भी आपने देखना है, आपका जो बिजनेस लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड करके बिजनेस इनकम के केस एडजस्ट होगा, प्रिंसिपल वही है, लेकिन फॉरन बिजनेस इनकम। और कैपिटल गेन स्पेकुलेशन ये भी इसी तरह ही है, अदर इनकम और सैलरी में होता नहीं है, तो जो प्रिंसिपल आपने लोकल पे अप्लाई किया है वही फॉरेन पे भी अप्लाई हो रहा है। पाकिस्तान में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है फॉरेन लॉस। नहीं उसकी नहीं। हाँ इनकम हुई तो ऐड करके टैक्स लगेगा, लॉस की एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। हाँ जी चले आगे। जी सर आगे चलिए आगे। डिडक्टेबल अलाउंसेस जी, ये आपके सामने है। अभी जैसे शुरू में कहा, अगर आपको याद हो तो टोटल टैक्स ये देखें, टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम और लेस डिडक्टेबल अलाउंसेस। अब ये डिडक्टेबल अलाउंसेस आपके पास आने लगे हैं, ज़कात, वर्कर्स वेलफेयर फंड, WPPF कंपनीज के लिए, एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो पर्सनल होंगे बंदे के, और इनको आपकी टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज़कात अंडर दी ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, वर्कर्स वेलफेयर फंड सूबे के पास चला गया, 2% ऑफ अकाउंटिंग इनकम या टैक्सेबल अकाउंटिंग या टैक्सेबल इनकम विच एवर इज हायर का 2%, 5% अकाउंटिंग प्रॉफिट का 60B WPPF कंपनी के केस में, और एजुकेशनल एक्सपेंसेस में 60D पे अगर आपका कोई टैक्स कटा हुआ है, सॉरी टैक्स नहीं, ये डिडक्टेबल अलाउंस है, इन एक्सपेंडिचर पे आपको अगर आप कंडीशन मेट करेंगे तो ये आपकी टोटल इनकम में से माइनस होगा। आपको मैं रिटर्न देखूं उसमें पड़ा होगा डिडक्टेबल अलाउंसेस, ये पड़ा हुआ है, ये देखें, ये 60 60A 60C एजुकेशनल, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी उन्होंने जिनकी ट्यूशन आपने पेड की है वो भी उन्होंने मांगे हुए हैं इस डिडक्टेबल अलाउंस में, एजुकेशनल एक्सपेंसेस को वेरीफाई करने के लिए। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो है सर, ये जो WPPF है, ये नेट इनकम में से WWF निकाल के तो फिर ये कैलकुलेट करना है। WPPF और वर्कर्स वेलफेयर फंड। हाँ जी पहले WPPF लेस होगा, उसके बाद WWF आएगा। वैसे ये यानी कि WPPF अब पहले सुन लो ना, पहले सुन लो, जी। असल में बात ये है कि ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये डिडक्टेबल अलाउंसेस है, ये खर्चे नहीं है। हेलो जी, मैं सर इसमें इसकी अब, कैलकुलेशन का पूछ रहा था लेकिन कि जो हमारा प्रॉफिट आ। लेकिन लेकिन सुन लो ना, अब सवाल यह है कि ज़कात में भी एक मसला है। मसलन फर्ज करें मैंने 10 लाख ज़कात दी, लेकिन उसमें से पता चला कि जो 6 लाख रुपए है वो नॉन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को मैंने पे किया है, और उनका कोई ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस में जिक्र नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? सॉरी 10 मिलियन मैंने गलती से डाल दिया, इसको 10 लाख कर देते हैं, तो जितना इनएडमिजिबल है वो निकल जाएगा, बाकी जो एडमिजिबल बचेगा जो लॉ के मुताबिक होगा उसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। हो सकता है आपका एजुकेशनल एक्सपेंस सारे डिसल हो जाए, क्योंकि अगर आपने 15 लाख से ज़्यादा, अगर आपकी मेरे ख्याल 15 लाख की इनकम उन्होंने स्टेट की हुई, इससे ज़्यादा ना हो, अगर उससे ज़्यादा हुई तो फिर ये वैसे ही नहीं मिलता, तो उस सूरत में सारे का सारा आपका एजुकेशनल एक्सपेंसिव डिसल हो जाएगा।
हाँ जी कोई सवाल है? सर एक चीज बताइएगा, ये जो प्रॉफिट ऑन डेट है ये किसी भी किस्म का है? मतलब मैंने कोई भी लोन लिया या कोई नहीं भी नहीं नहीं चीज ठहर उठाई? ठहर, ये आपकी नए घर की एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, ये वो वाला प्रॉफिट ऑन डेट नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अच्छा, यानी कि मैं अगर एम्प्लॉई हूँ, मैंने बैंक से लोन लेके उस लोन से मैंने घर खरीदा है, या कंस्ट्रक्ट किया आपने, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन है नए घर तो की, वो जो मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट तो दे रहा उसमें हूँ भी वो कंडीशन अलग है कि से? अच्छा एक्चुअल है, कुछ परसेंटेज है, उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है, जो उनमें से लोअर होगा उस पे आपको मिलेगा। जी कोई और सर, सवाल दूसरा एक है? क्वेश्चन था, जी कर सिक्सटी ले, सी के अंदर ये सारी डिटेल मेंशन है क्या कह रहे हैं? का, 60C के अंदर ये सारी डिटेल मेंशन है, वो जी ट्रस्टी के बिल्कुल, लिखा हुआ उसके उसके अंदर अंदर उन्होंने सारी पूरा डिटेल? सेक्शन बनाया हुआ है, उसके सब सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ हाँ उसको। जी, और जी कोई और सवाल कर रहे हैं? सर अभी सर आप मेरा ये कह सवाल है, रहे थे एक कि बंदा, 15 लाख अगर इनकम होगी तो देन एजुकेशनल एक्सपेंस नहीं अलाउ हो सकते? 15 लाख से ऊपर होगी तो फिर नहीं होगा, 15 लाख के अंदर होगा तो फिर मिलेगा। अगर ठहरो आपको ना, मैं एक सर मिनट, चिल्ड्रन की होती है कि अपने अपनी होगी? आप एजुकेशन अभी आपको जो डिपेंडेंट है उसकी बात हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सब्र करो। जितने भी टैक्स क्रेडिट होते हैं ना या एग्जम्पशन है, वो कंडीशनल होती हैं, उसकी कंडीशन आप लिमिटेशन मेट करेंगे तो तब आपको मिलेगा, वरना वो नहीं मिलेगा। ये उनमें से एक है, वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। C को, एक मिनट, सिक्सटी फोर ए लग गया हुआ है, गड़बड़ लगता है। बहरहाल मैं देख लेता हूँ, 60 ये है जी आपके सामने, ये एजुकेशनल एक्सपेंसिव है जी। और देखो क्या लिखा हुआ है इसके सब सेक्शन है जी, टोटल 5। पहला क्या है जी, एवरी इंडिविजुअल शैल बी इंटाइटल्ड टू डिडक्ट अलाउंस इन रिस्पेक्ट टू ट्यूशन फी पेड बाय द इंडिविजुअल इन अ टैक्स ईयर, प्रोवाइडेड द टैक्सेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज लेस देन 1.5 मिलियन रुपीज। 15 लाख से कम आपकी इनकम होना जरूरी है टैक्सेबल इनकम, पहली बात तो ये है, ज्यादा हुई तो ये वैसे गया। नंबर टू, अमाउंट जो है इन इन इनमें से जो लोअर होगा, 5% ऑफ टोटल ट्यूशन फी जो आप पे करेंगे, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, या मल्टीप्लाई कर दें 60,000 को नंबर ऑफ चिल्ड्रन से। सो ए बी और सी में से जो कम होगा वो बाहर आएगा, अगर वो क्रेडिट नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड या रिफंड नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ये किसको मिलेगा, ये आपका जो सवाल भी था, अगेंस्ट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ आइदर द पेरेंट्स मेकिंग पेमेंट्स ऑफ द फी ऑन फर्निशिंग नेशनल टैक्स नंबर और नेम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अलाउंस 149 के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये तीन चार कंडीशन है कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट होनी है, इंडिविजुअल को मिलेगा 15 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, अलाउंस कैरी फॉरवर्ड या रिफंड नहीं है, उस पेरेंट को मिलेगा जो पेमेंट करेगा और नेशनल टैक्स नंबर या अपना या एजुकेशन का देगा, और ये क्रेडिट जो ये डिडक्टेबल अलाउंस 149 में एम्प्लॉयर माइनस नहीं करेगा। अब कोई सवाल है तो कर लें। सर इसमें 60C को देखिएगा साथ में, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा जरा, किसको?
वो तो डिडक्टेबल ऑफ प्रॉफिट, इसका नंबर असल में चेंज हो गया ना, असल में ये अब ना ये असल में टैक्स क्रेडिट में चला गया हुआ है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस था ना ये आप कर रहे हैं प्रॉफिट ऑन डेट, ये यहाँ से निकल के ना मैं आपको दिखा देता हूँ, वो नीचे है क्योंकि उसने इधर आना नहीं था, उसको नंबर गलत डाल गया था, वो मुझे याद है जब सेमिनार मैंने किया था। ये तो मैं आगे चला गया मुझे लगता है, पीछे आना था मेरे ख्याल, प्रॉफिट ऑन डेट वाला ना शायद इन्होंने बाद में फर्क कर दिया। 63 इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स गया, वो भी गया, चैरिटेबल आ गया, ये देखना 60C omitted by financial omitted section, ये 60C था जो omit हो गया 2022 में, तो profit on debt जो है ना वो अब इसके अंदर available नहीं है, तो return के अंदर inadvertently वो आ रहा है, वो जरा एक तो पहली बात तो ये है, ये यहाँ से omit हुआ, एक मिनट ये आपका टू नंबर लगाओ, ये देखें टू, इसको 60C को जो कि उमिट कर दिया 2022 में, इसमें अब ये प्रॉफिट ऑन डेट जो है अब आपको डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे नहीं मिलेगा जी, क्योंकि वो इनएडविडेंटली एक और भी अब 62 और 62 है, वो भी आपकी रिटर्न में आ रहा है लेकिन लॉ उसको अलाउ नहीं कर रहा, तो ये भी इधर आप जेहन में रखिएगा कि जो चीज़ लॉ में अवेलेबल नहीं है वो आपने क्लेम नहीं करनी जी। हाँ जी आगे चले जी सर, मेरा एक सवाल था जी, ये जो जुकात और डोनेशन की बात हो रही थी कि जुकात के गेंस वो आपको अलाउंस मिलेगा, अगर एओपी है या कंपनी है वो डोनेशन पे करती है लेट्स सपोज किसी को, वो देते भी नहीं, डोनेशन पे आपको मिलेगा टैक्स क्रेडिट, वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसको इनएडमिसिबल करना पड़ेगा ना। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अगर आप एनपीओ हैं, वेलफेयर इंस्टीट्यूट है, तो फिर आप डोनेशन दे सकते हैं, ये देखें चैरिटेबल डोनेशन का ये आपको टैक्स क्रेडिट के अंदर मिलेगा, एक्सपेंस में नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब एक्सपेंस में से हम लेस करेंगे, उसमें एडजस्टमेंट करेंगे इसकी, लेस नहीं ऐड करेंगे जी सर, ऐड बैक करेंगे ना उसमें प्रॉफिट एंड डेट उसका टैक्स बिफोर प्रॉफिट के अंदर, डोनेशन को सुधार जी जी। और कोई सवाल है या मैं आगे चलूं? जी सर आगे जी जी ख्वाजा साहब, हाँ तो एजुकेशनल एक्सपेंसेस काफी वाइड टर्म है ना, एजुकेशनल में बुक्स है, ट्यूशन फी है, स्कूल फी है, यूनिफॉर्म, वो सारा कुछ उसके अंदर शामिल होगा ना, आप देखे ना ठहरे जो आपको पहले दिया गया है ये क्या लिखा हुआ है, एवरी इंडिविजुअल डिडक्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फी पेड बाय द इंडिविजुअल इन ए टैक्स ईयर प्रोवाइडेड दैट द टैक्सेबल इनकम लेस देन 15, आप जो भी ट्यूशन फी, ये देखे ना नीचे पड़े जो टोटल ट्यूशन फी है 5% ऑफ द टोटल ट्यूशन फी है, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम है, और 60,000 वो कह रहा है कि आपने पर पर्सन को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों में से जो कम होगा, अब ट्यूशन फी का जब मैं 5% लूंगा तो वो थोड़ा सा बनेगा, ये ऊपर देखे ना जहां हायर, अगर मैं 30 लाख रुपए पे कर दूं ट्यूशन फी पे तो उसका 5% तो सारा कितना 1.5 लाख बनेगा, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं वो आपको अलाउ कर रहा। अच्छा,
हाँ जी, ट्यूशन फी तो बड़ी लिमिटेड वर्ड उन्होंने ऊपर उन्होंने वर्ड एजुकेशनल एक्सपेंसिस कहा है और नीचे जाके वो ट्यूशन फी हो गई है। ये मेरी समझ से बाहर है कि ये सिर्फ ऊपर आप कुछ और कह रहे हैं, नीचे आपने ट्यूशन फी यूज कर दी है। क्या ट्यूशन फी सिर्फ खर्चे होते हैं? वो मेरा ख्याल है कि आपको वो जो आने जाने का या अदरवाइज खर्चा वो नहीं अलाउ करना चाह रहे, क्यों तभी वो एंड पे जाके कह रहे हैं ना इंस्टीट्यूट का एजुकेशन इंस्टीट्यूट की रिसीट दें और नाम दें, तो वो तो फिर जो ट्यूशन फी उनको गई है वो उतनी लेगा ना। बाकी जो आपने बुक्स अदरवाइज ली हैं, यूनिफॉर्म है, ट्रेवलिंग है, फूड है, उस पर नहीं वो अलाउ कर रहा आपको, वो फारग हो गया जी। जी सिर्फ ट्यूशन फी की हद तक है वो नेशनल टैक्स नंबर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम। आप देखें ये भी चीज, या तो एनटीएन नंबर दें उसका और नाम, और अगर आप प्राइवेट पढ़ा रहे हैं और एनटीएन नहीं है या इंस्टीट्यूट का कोई नाम नहीं है तो फिर तो वो वैसे ही फर्क हो जाएगा। सपोर्टिंग के बगैर तो नहीं ना वो लोग करेंगे। 4 मिनट रह गए। हाँ सर, मीटिंग खत्म होने में 4 मिनट रह गए हैं। तो काफी है या और मीटिंग करनी है तुमने? काफी हो गया सर, काफी बहुत सवाल हो गया। तो इसको अब आप कवर कीजिएगा, अगर कोई और सवाल है तो पूछ लें, लास्ट 5 मिनट्स हैं, या जब तक ये चलता है सवाल कर लें, वरना फिर इसको ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो कर लें। तो आज हमने क्लोज कहाँ किया? हम पहुंच गए 7 नंबर पे, डिडक्टेबल अलाउंसेस के ऊपर। आगे ये टैक्स प्रॉफिट ऑन डेट के वाले से एक सवाल है कि अगर कोई बिजनेस इंडिविजुअल अपने पर्सनल हाउस लोन के लिए लोन लेता है तो उसको कोई क्रेडिट मिलता है वैसे नॉर्मली? नहीं, अब नहीं है ना, उसने जो आपको देना था वो दिया हुआ ना, जो अगर आप उसके अंदर आ जाते हैं, ये उसने फर्क ये पढ़ा हुआ ये प्रॉफिट ऑन डेट ही है। ये पहले ही ओमिट कर दिया था उन्होंने, ठीक है, ये पहले का ओमिट हुआ है 64। तो एज सच अब अपेरेंटली तो यहां कोई नजर नहीं आ रहा भाई। ठीक है, बस वो फारा कर दिया ना उन्होंने, वो पिछले समझो पिछले बजट में ही उन्होंने इसको फारा कर दिया था। एक और चार्ट देख लो ना, ये भी देख लो, ये भी आपके काम आ जाएगा। ये आपके टैक्स क्रेडिट्स वाला है, इसमें मैंने लिख दिया येलो, 2 और 3 नंबर ये रिटर्न में आ रहा है लेकिन ये 22 में खत्म हो चुका है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट इन शेयर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों फारग हो चुके हैं, दीज आर नो मोर अवेलेबल। तो आपने अब क्लेम नहीं करने वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये लाइफ इंश्योरेंस वाला कौन सा, ये लिखा हुआ आगे आगे ये दोनों, ये दोनों 22 में फारग हो चुके हैं। ठीक है जी, किसी का सवाल है इससे पहले कि मैं क्लोज करूं? सर जी, सर इंस्टीट्यूट में अगर कोई आपका सेल टैक्स भी काट लेता है कोई भी सेमिनार और उसकी फीस के ऊपर, उसका क्या हम करते हैं? तो ही हम क्लेम करते हैं। देखिए ना, बात सुने ना, आपने इनकम कमाई है उस पे जो सेल टैक्स है आप देख लो कौन सा है उन्होंने। अगर सर मैंने सेमिनार कोई वर्कशॉप ली है उसमें उन्होंने मेरे से जो अमाउंट काटी है उसमें सेल टैक्स भी काटा है। नहीं, आपने पेमेंट की उनको सेल टैक्स के साथ? सर उनको पेमेंट जब मैंने की है ना,
चले फिर बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में कर लेंगे जी। अल्लाह हाफिज जी।